हमारे पास यहाँ पर क्या क्या है? जी हमारी सारी फाइलें, ये मैप, ये चाकू। फाइल, मैप, चाकू, यानी जो चीजें अदालत में थी वो सब यहाँ पर है हमारे पास। जी है। अच्छा, वैसे ये लोग आते ही होंगे? हाँ, 11 बजे का टाइम। हाँ, 11 बजे का। लीजिए आगे। इस बार सारे नए हैं? हाँ, इस बार नए हैं सारे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। मायसेल्फ एमएलए। एमएलए जी। अरे एमएलए तो पार्लियामेंट में जाइए। अरे भाई साहब, मुकुंदी लाल अरोड़ा। अच्छा, आपके भी मजाक करने की आदत है। जूरी नंबर 6। जूरी नंबर 6। जी प्रशांत शर्मा। मुकुंदी लाल प्रशांत शर्मा। बैठिए जी, बैठिए। शुक्रिया, शुक्रिया भाई साहब, बैठिए। शुक्रिया। हमारे लिए गुसलखाना किधर है? जी वहां पर। जी वहां पर। जी जी जी, शुक्रिया। बहुत गर्मी कर रखी है भाई साहब आपने। जी गर्मी तो है। उमस कितनी बढ़ गई आजकल। अब मौसम ही ऐसा है, क्या करें। बिल्कुल 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 सही कहा भाई साहब। जी नमस्ते। नमस्ते। अमिताभ श्रीवास्तव बताया। अमिताभ श्रीवास्तव नंबर 2। जी बैठिए। जी बैठिए, आप जाइए। नमस्कार भाई साहब, मुकुंदी लाल। अमिताभ श्रीवास्तव। आइए बैठिए। जी नमस्ते। नमस्कार भाई साहब। जी जूरी नंबर 4, प्रवेश मिर्जा। जूरी नंबर 4 का लिखिए प्रवेश। जी बैठे। जी बैठिए आप। राम बनिया। जी बैठे। आने वाले समय में संभाल रहे हैं सब कुछ। मेरे देखिए 3 नंबर बता रहे वहाँ पे। गिरधर गोपाल द्विवेदी। हाँ गिरधर गोपाल द्विवेदी। जी बैठे। क्या नाम बताए? प्रशांत शर्मा। दीपक अग्रवाल। दीपक अग्रवाल जी बैठे। मिस्टर प्रशांत शर्मा, नाइस टू मीट यू। हेलो अभिषेक। अरे नमस्कार भाई साहब, मुकुंदी लाल। मुकुंदी लाल अरोड़ा। गिरधर गोपाल द्विवेदी। नहीं नहीं बैठो बैठो भाई, बैठो। थोड़ी माहौल पार्टी देखूंगा यार, बैठो। जैसे आपकी इच्छा हो। ओके नाइस। अमिताभ श्रीवास्तव। गिरधर गोपाल द्विवेदी बैठो। यस मिस्टर। अरे भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब आप 4th रो में बैठे। मैंने भी आप 3rd रो में। बिल्कुल भाई साहब, आप क्या ही बेटा साहब। और मेरा नाम है बेटी पाटिल। नाइस टू मीट यू मिस्टर। रामलिंगम सर। अभिषेक पाटिल मिस्टर। आंध्र प्रदेश साइड से आप। 90 से जरूरी नंबर 10 बैठे। वही साइड ना। आप सिगरेट लेंगे? नो थैंक्स सर। आप सिगरेट लेंगे? मिस्टर इम्पोर्टेड है, एप्पल फ्लेवर, 0% निकोटीन। हाँ वैसे एक चीज पे गौर किया आप सब लोगों ने? मिस्टर मैं हर चीज पे गौर करता हूँ, एडवर्टाइजिंग इज माय प्रोफेशन यार। बहुत। अरे हाँ, आज का अखबार पढ़ा किसी ने? जी मैंने। आज साल का सबसे गर्म दिन है अगर आपको पता होगा। अच्छा, अगर आप नहीं पता तो हमें पता ही नहीं चलता क्या जितनी गर्मी है। वैसे भाई साहब गर्मी तो जो है मुजरिम को लग रही होगी। कटघरे में यहाँ भी बहुत गर्मी है, यहाँ पर तो एसी लगा होना चाहिए था। अरे पंखे, ऐसा पंखे नहीं चल रहे। पंखे क्यों नहीं चल रहे भाई सब? अरे भाई मेरे विचार से तो काफी दिलचस्प रहा। अच्छा जी, लेकिन मुझे तो जो है नींद आ रही थी वापस। नहीं वो मैं पहली मरतबा आया हूँ ना, तो थोड़ा सा घबराया। अच्छा पहली मरतबा आए हो तो फिर हो सकता है। लेकिन मैं वैसे कई मरतबा आया हूँ, लेकिन मुझे जो है कभी कुछ दिलचस्प नहीं लगा। बल्कि मुझे तो इन वकीलों को देखते ताज्जुब होता है यार, कि कैसे बोले चले जाते हैं, बोले चले जाते हैं, बहस पे बहस, बहस पे बहस, ताकि जो है ना केस में कोई कमी ना रह जाए। अच्छा वो छोड़ो, ये केस उठा लो, लेकिन नहीं बोलेंगे जरूर। इतनी लबाजी सुनी है तुमने कहीं? बोलो। लेकिन मेरे विचार से उन्हें बोलने का अधिकार तो है। अच्छा चलो वो अधिकार। नहीं नहीं बैठो बैठो बैठो, मैं कह रहा हूँ वो अधिकार। लेकिन यार कोई मुद्दा तो हो, कोई बात तो हो। मेरे हिसाब से मैं आखिरी आदमी हूँ जो इस बात से इनकार करे।
लेकिन मेरे हिसाब से तो इन बदतमीज और उजड़ लड़कों के मामले में ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। इनको तो जो है बचपन में टोक पीट कर बराबर कर देना चाहिए ताकि जो है ना बाद में कोई परेशानी ही ना हो। अच्छा वो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ हमारा कितना पैसा बचेगा इससे, हमारा कितना वक्त बचेगा इससे। भाई साहब वक्त तो हम अभी भी बचा सकते हैं अगर जल्दी से शुरू करे तो। मैं कह रहा हूँ जल्दी से खत्म करे तो। सबको अभी वहाँ पे काम होंगे नहीं। जैसे आप जी हमारे ख्याल से दो तीन मिनट और। क्यों भाई साहब जी, एक सज्जन अभी बाथरूम के अंदर है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? मुझे लगता है कि लड़के ने बहुत, भाई मैं तो कहूंगा हम सब लोग बहुत लकी रहे, खून का मामला मिला है। कैसे? चोरी वोरी का धोखाधड़ी का मामला मिल जाता ना तो रिली बोर हो जाते हैं। भाई साहब वो मुजरिम का वो चाकू वाला किस्सा एकदम बकवास। ये लोग तो ऐसे ही रहे हमेशा और कर भी क्या सकते हैं ये लोग। और मुजरिम ने उस रात चाकू खरीदा भी था और भाई साहब उसे रात खो भी दिया। कुछ भी बोल रहा था। क्या हुआ भाई साहब, कुछ प्रॉब्लम है आपको? अरे भाई मत पूछो, इस गर्मी का जुकाम ले तो नाक की माँ बहन कर रही है। अच्छा है आपका हॉर्न तो बज रहा है, तब से मैं पंखे चला लेता हूँ। लीजिए मिस्टर, सोने पे सुहागा, पंखे ही खराब है मिस्टर। देखा ये हालत है इस देश की, इस साली गवर्नमेंट की, इस साली गवर्नमेंट की खाने की कटौती, पीने की कटौती, हर चीज में कटौती, लालत है ऐसी कटौती। बहुत मशहूर इकोनॉमिस्ट गुनाह मॉडल ने एक जगह लिखा है, दुनिया के सरकारों को कटौती के लिए कहना हाँ। बिल्कुल ऐसा है कि कहा जाए कि आपके जूते छोटे हैं, अपने पांव काट लिए। बैठिए अभी यही तंदूर में। अरे छोड़िए मिस्टर, सरकारी पंखे हैं, अब तो नए लगवाने पड़ेंगे तब जाके चलेंगे। चलो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। वैसे भी भाई साहब मेरी मूवी की टिकट है बाहुबली 2, सुना है प्रभास का काम इस बार और भी अच्छा है। भाई साहब टिकट्स नहीं मिल रही थी, इतना हाउसफुल शो चल रहा है, बहुत दिन पहले की थी अब जाके नंबर आया। चलो चलो जल्दी से शुरू कर देते हैं, खत्म हो जाएगा तो सब फ्री हो जाएंगे। हम शुरू करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हमें हमारे नंबर से बैठना चाहिए, 1-2-3 करते हुए 12 तक, अगर किसी को कोई ऐतराज नहीं। अरे भाई इससे क्या फर्क पड़ता, कोई कहीं भी बैठे। नहीं नहीं एक कायदे की बात है, हम लोगों को अपने नंबर की सीट पर ही बैठना चाहिए। नंबर 7 मुझे वो सरकारी वकील बहुत स्मार्ट था, किस तरह एक के बाद उसने 5 डिफेंस काउंसिल की दर्जा उड़ा दी। He was really sharp. जी हाँ, काफी समझदार था वो। नहीं नहीं, दरअसल उसका अटैक बहुत जबरदस्त था और यही अटैक मैटर करता है, जिस तरह शतरंज में पहली चार्ज। मिस्टर कम ऑन प्लीज, हम लोगों को जल्दी से शुरू कर देना चाहिए, मतलब सब खत्म हो जाएगा तो फ्री हो जाएंगे सभी जल्दी। अरे हम शुरू कर दिए सर, बिल्कुल। एक्सक्यूज मी सर, जब आएंगे नहीं, हम शुरू करना चाहते हो। बैठिए जी, बैठिए। अरे पी लेना, थोड़ी बातचीत कर ले। भाई साहब बड़ा मुश्किल होता है यकीन करना कि एक बेटा अपने ही बाप को मारे, जैसे खून करना कोई रोजमर्रा की बात। और हाँ आपको पता है क्राइम के रेट क्या है सर, अगर हम इन फिगर्स को एनालाइज करेंगे। इसमें कसूर किसका है? सरकार का, जो इस घटिया तबके को रिजर्वेशन के नाम पे दुनिया भर की रियायतें दे रही है। पर इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं। हाँ कुछ भी नहीं, ये साले आपस में लड़के मर जाएंगे और यही इनके कर्मों की सजा होगी। हाँ भाई पूरे हो गए सब लोग। हाँ पूरे हो गए। वो बुजुर्ग अभी भी बाथरूम के अंदर ही है। आप मेरा दरवाजा खटखटा दीजिए, मैं बुला दूं। जल्दी आए, वहीं बैठे हो, वहीं आने के लिए आए। मैं बुला देता हूं भाई साहब। हाय मिस्टर, आपने देखी होगी बाहुबली 2? जी नहीं नहीं देखी। मुझे आप बाहुबली को नहीं देखी? मैं हॉलीवुड देखते होंगे, एवेंजर्स वगैरह मूवीज के लिए वक्त नहीं रहता मेरे पास। मैं नहीं हूँ मूवीज के लिए टाइम। आइए जनाब, आइए। वो आगे, तुम्हारे वो आगे, 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 वो आगे। जी जी जी। अरे माफ कीजिएगा, आप लोगों को इंतजार कराने का हमारा कोई इरादा नहीं था। ये तो मजबूरी है, जाना पड़ता है। ये आप आराम से बैठिए। जी बेटे, जी बेटे। हेलो शुरू करें, बराबर हो गए सारे। हाँ बराबर, ठीक है।
तो सब पहले कुछ बातें सुन लीजिए। हम सब यहाँ इस मुकदमे पर गौर करने के लिए आए। हमारा फैसला बहुत अहम है और हमें बहुत ही सोच समझ कर एक नतीजे पर पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे नतीजे पर एक लड़की की जिंदगी और मौत का सवाल है। और यहाँ पे सब कुछ सही ढंग से संचालित हो इसलिए कोर्ट ने हमें भेजा। अच्छा, हमारा जो भी वोट होगा वो एक मत से होगा। अच्छा, दोनों का एक ही जी। और यहाँ पे मुकदमा खत्म होने तक आपको नहीं बाहर जाने की इजाजत है और नहीं किसी से फोन पे बात करनी है। जी ठीक है, ठीक है। आप लोग जैसा भी चाहे इस मामले पर गौर कर सकते हैं। मैं कोई खास नियम तो नहीं बनाना चाहता। वैसे एक तरीका तो ये कि हम पहले वोटिंग कर ले, और दूसरा तरीका ये भी है कि हम सारे पॉइंट से बहस कर ले ताकि हमें पता चल जाए कि हम कहाँ पर है। माफ कीजिएगा एक मिनट, मेरे ख्याल से पहले वोटिंग की पहले वोटिंग ले लेते हैं। क्या पता एक मत निकले तो 5 मिनट में सभी को छुट्टी मिल जाएगी। अरे ये सब तो आप लोगों पर है, लेकिन याद रखने वाली बात ये है कि उस लड़के पर कत्ल का इल्जाम है। अगर हम उसे कुसूरवार ठहराते हैं तो फांसी के तख्ते तक भी पहुंचाते हैं। अरे भाई ये सब बातें हम लोगों को मालूम है। शुरू कीजिए। हां वक्त नहीं है, बात कब जब शुरू करते हैं। वैसे भी ऐसा भी है जो वोट नहीं देना चाह रहा है। अरे अरे वोट तो देना है, जो नहीं कहेगा। 12 के 12 लोगों की एक राय लाजमी है, कुसूरवार या बेकसूर। तो जो लोग कुसूरवार के पक्ष में है वो लोग अपना हाथ उठाए। पूरा उठाओ, देख रहे हो सर, कुसूरवार हाथ उठाइए ऊपर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जी, 11 तो 11 लोग की राय कुसूरवार। ये इन जनाब की बेकसूर यार, हमेशा एक ना एक निकल ही आता है। तो भाई साहब अब क्या किया जाए? मेरे ख्याल से बातचीत। अरे भाई साहब आपको वाकई लगता है कि ये लड़का जो है बेकसूर है? मुझे कुछ पता नहीं। वाह वाह वाह, सुना आप लोगों ने। मतलब 7 दिन तक अदालत की पूरी बहस सुनने के बाद हमारे ये हुजूर फरमा रहे हैं जी मुझे कुछ पता ही नहीं है। अरे भाई साहब तुम यार कुछ कायदे की बात करो यार। एक बात बताओ, तुमने भी वही सब सुना अदालत में जो कि हम सब ने सुना? हाँ, कि ये आदमी जो है खतरनाक कातिल है। उसकी उम्र सिर्फ 19 वर्ष है। हाँ तो 19 वर्ष भी कोई कम थोड़ी ना होता। हाँ, भाई साहब उसने अपने बाप का खून किया है। हाँ, उसके सीने में 4 इंच गहरा चाकू भोगा है। अरे भाई साहब बिल्कुल साफ जाहिर होता है, और ये बात मैं शुरू में ही समझ गया था। अरे कौन नहीं समझा था, ये तो बिल्कुल वो क्या कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी जैसा। चक्की कोई गुंजाइश ही नहीं है इसमें। अच्छा वो छोड़ो, वहाँ उस वकील ने 19 तरीकों से इस बात को समझा दिया होगा। अब ये भाई साहब चाहेंगे कि हम सब मिलके इनको ये सारी बातें फिर से समझाएं। ऐसा नहीं होता यार। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अरे भाई जी नहीं तो आप चाहते क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ बातचीत करना चाहते। इससे बातचीत भाई कमाल है, 11 लोग यहाँ एक राय लिए बैठे हैं कि लड़का कुसूरवार है। हाँ। किसी को दोबारा बहस करने की जरूरत नहीं महसूस हो रही है भाई साहब, सिवाय आपके। हाँ। अच्छा भाई साहब आप एक बात बताइए, क्या आप सचमुच इस लड़के की कहानी पे यकीन करते हैं? नहीं अभी नहीं करता। हाँ तो फिर बेकसूर वोट देने का क्या मतलब हुआ? देखिए आप सब लोगों ने उसे कुसूरवार ठहरा दिया। हाँ। मेरे लिए इतना आसान नहीं कि अपना हाथ ऊपर करके किसी को फांसी के तख्ते पे पहुंचा दूं। हाँ तो भाई साहब ये कौन कहता है कि हम लोगों के लिए आसान था? हाँ। कोई नहीं कह रहा। यही ना कि हमने अपना फट से उठा लिया, इसलिए भाई साहब यहाँ हम सब लोगों का कहना है कि लड़का कुसूरवार है। अब चाहे हम 10 साल तक यहाँ बातचीत करते रहेंगे ना, आप हमारा दिमाग नहीं बदल सकते। देखिए आपका दिमाग बदलने का मेरा कोई इरादा नहीं है। यहाँ पे हम किसी की जिंदगी का फैसला करने बैठे हैं जो कि 1-2 मिनट में नहीं किया जा सकता। मान लीजिए हम लोग गलत हो तो? ये क्या बात हुई, अब मान लीजिए ये सारी बिल्डिंग टूटकर मेरे सर पर गिर पड़ी तो? ऐसा भी हो सकता है भाई साहब, मारने को तो कुछ भी माना जा सकता है। देखिए मिस्टर मैं आपको समझाता हूँ। तुम समझाओ यार। फैसले में कितना वक्त लगता है इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ। अब लड़का कुसूरवार है ये बात हम सब लोग मिलकर 5 मिनट में तय कर लेते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल 1 घंटा सोच ले तो क्या फर्क पड़ेगा? वैसे तो आपकी वो फिल्म बाहुबली 2 6:30 को शुरू होने वाली ना। ओके मिस्टर, तो आप भी मेरे साथ चलेंगे? वैसे एक एक्स्ट्रा टिकट है मेरे पास। अच्छा बस, किसी और को कुछ कहना? जनाबे अली मैं 1 घंटा रुकने के लिए तैयार। भाई कमाल हो गया, मैं आप लोगों को एक लतीफा सुनाता हूँ। एक लड़की एक डॉक्टर के कमरे में दौड़ते दौड़ते दाखिल, हर कमर तक बिल्कुल नंगी। हम लोग यहाँ पे आपका लतीफा सुनने नहीं बैठे। हाँ तो भाई साहब आप ही बता दीजिए किस लिए बैठे हैं। देखिए एक लड़की की जिंदगी का सवाल, जिसके अब तक की जिंदगी ठोकरे खाती हुई गुजरी है, तकलीफ सहते हुए गुजरी है, उसे उम्र भर की बेइज्जती और दुत्कार मिली। ये जब 9 साल का था तब उसकी माँ उससे छीनी गई। इसका बाप जब 1.5 साल की जेल भुगत रहा था, ये लड़का एक यतीम खाने में अपने दिन काट रहा था। जिंदगी की ऐसी शुरुआत नॉर्मल तो नहीं कही जा सकती। और बाकी तमाम बातों से आप लोग वाकिफ हैं, आप लोगों ने कोर्ट में भी सुनी है। इसने अपने जिंदगी के 19 साल ऐसे काटे हैं और मुझे लगता है 20 भी पूरे ना कर सके। और उसके कुछ शब्दों के कर्जदार तो हम लोग ही है अभी। मिस्टर रॉबिनहुड हो गया आपका। ये जो लड़का है ना
इस पे काफी सच्चाई और ईमानदारी के साथ मुकदमा किया गया और एक मुकदमे में कितना खर्च होता है आपको अंदाजा भी है। अरे वो तो इस लड़के की तकदीर अच्छी थी कि इसे सरकार की तरफ से एक वकील मिल गया और हम लोग भी यहाँ पर कोई बच्चे नहीं है, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। हम लोगों ने भी ये मुकदमा बहुत अच्छे तरीके से सुना है। हाँ, बिल्कुल। क्यों भाई साहब? सही बिल्कुल। मैं इन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। अरे इनकी तो आवो हवाई खराब है, इनकी बातों का यकीन करना सरासर बेवकूफी है। मैं कहता हूँ इन सालों की पूरी कौम ही छोटी है। जनाबे अली, मुझे अचानक ही महसूस हो रहा है कि आपकी आपकी जानकारी काफी कम है। अरे भाई कहना क्या चाहते हो आप? क्या सोचते हैं सच क्या है इसका इल्म सिर्फ आपको है? आपने क्या यहाँ पे सच्चाई का ठेका ले रखा है? ठेका? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ठीक है बात, थोड़ा आराम से बात। यहाँ कोई सत्यनारायण की पूजा नहीं चल रही है जो आप अपने उपदेश देने शुरू कर दें यहाँ पे। मुझे नहीं लगता है कि इस केस में बहस की कोई जरूरत है। हाँ बिल्कुल, जहाँ तक मेरा ख्याल है कम से कम हमसे सभ्य लोगों की तरह बर्ताव की उम्मीद की जानी चाहिए। और अगर हमें बहस करनी है तो उन मुद्दों पर बहस करें, उन सबूतों पर बहस करें जो मुकदमे में हमारे सामने पेश आए। मेरे ख्याल से इनका सुझाव बहुत अच्छा है। अगर ये महाशय हमसे सहमत नहीं है तो इनकी कोई ना कोई वजह होगी। अगर आप हमें वो वजह बता सकते हैं, बताओ भाई क्या वजह है? अगर इनकी गलतफहमी हो सकती है तो हम दूर कर सकते हैं। हां लोग क्या बोले, कुछ डाउट होंगे तो सब। ये क्या कर रहे हैं सर आप? ये सिगरेट का नया कैंपेन शुरू किया गया है जिसका स्लोगन है रिजल्ट इज गुड लाइक अ सिगरेट शुड। अब भी बनाया है क्या कर रहे हैं सर? अरे यार सॉरी, ये कुछ ना कुछ करने की हमारी पुरानी आदत है। इनफैक्ट तो इसी वजह से हमें सोचने में हेल्प मिलती है। हम सब यहाँ किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, सब लोग यहाँ हमेशा के लिए नहीं है। अरे सॉरी, एक आइडिया आया है। हो सकता है किसी काम का ना हो, हम इन साहब को कन्विंस करने की कोशिश करें कि हम सब सही है और ये गलत। अगर ऐसा है तो हम सब एक एक दो मिनट ले सकते हैं अपनी बात कहने के लिए। मेरी राय ठीक हो तो ठीक, नहीं तो मैं तो ये कह रहा था। आप सब लोग अपनी अपनी बारी से बोलो। हाँ भाई साहब, इनके पूरे डाउट्स क्लियर कर देते हैं, एक एक करके सब इनको समझाते हैं। समझाओ भाई साहब, समझाओ आराम से। जी आपकी बारी, आप बोलो। आप बोलो, तुम्हारी बारी। भाई साहब मुझसे? जी नहीं, हमें सीरियल ऑर्डर वाइज जाना चाहिए ना, नंबर से। वैसे ही बैठे नंबर से कर लो। हम सब लोग अपने अपने नंबर से बोलते हैं, सबके पास दो दो मिनट का वक्त है। ठीक है जी, आप बोलिए आपका नंबर। आप बोलो, तुम्हारी बारी, बोलो। दरअसल शब्दों में कहना थोड़ा कठिन है, लेकिन मेरे विचार से जो लड़का है वो दोषी है, क्योंकि किसी ने और कुछ साबित भी तो नहीं किया है। किसी को और कुछ साबित करने की जरूरत भी नहीं है, साबित करने की जरूरत प्रोसिक्यूशन की होती है। मुजरिम को कुछ कहना नहीं पड़ता, यही कानून है। वो तो ठीक है, लेकिन जो लड़का है उसे किसी ने खून करते हुए देखा भी नहीं। मुझे लगता है लड़का दोषी है। ठीक है बस, हो गया तुम्हारा, बैठ जा। हाँ बैठो। भाई साहब, ये मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं बताना चाहूंगा, जो है बिना किसी जज्बात के। मैं सिर्फ सबूतों की बातें करूंगा जो कि अदालत में हमारे सामने पेश किए गए थे। ठीक, तो सबसे पहले हम उस बूढ़े आदमी को ले लेते हैं जो कि ठीक उसी खोली के नीचे रहता है, ठीक उसी बिल्डिंग में जहां पर यह कत्ल की वारदात हुई। आधी रात को 12:10 पर इसे कुछ लड़ाई झगड़े की आवाज सुनाई थी, उसके बाद इसे इस लड़के की चीख भरी आवाज सुनाई थी, मैं मार डालूंगा तुझे। उसके एक सेकंड के बाद इसने किसी के धन से फर्ज पर गिरने की आवाज सुनी, उसके बाद इस बूढ़े ने अपने घर का दरवाजा खोला अपने बिस्तर से उठकर, और उसके बाद इस लड़के को नीचे सीढ़ियों से भागते हुए देखा। उसके बाद इसने जो है पुलिस को फोन लगाया, पुलिस को जो है ऊपर वाले कमरे में एक लाश मिली जो कि इस लड़के के बाप की थी और जिसके सीने में 4 इंच गहरा चाकू बुका हुआ मिला। मौत का समय करीब आधी रात के आसपास बताया गया। बिल्कुल, तो भाई साहब ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ सबूत हैं जिन्हें जो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। मुझे मालूम है इस लड़के की उम्र जो है सिर्फ 19 वर्ष है, लेकिन भाई साहब जो जुर्म इसने किया है, जो गुनाह इसने किया है, इसकी सजा इसे हर हालत में भुगतनी पड़ेगी। लड़के ने अपने बचाव में जो बयान दिया है मुझे निहायत कमजोर नजर आता है। उसका कहना यह है कि जिस वक्त कत्ल हुआ वो फिल्म देख रहा था, जबकि सिर्फ 1 घंटे बाद भी उसे फिल्म का नाम याद नहीं था और उसमें कौन कौन काम कर रहा था। अलावा इसके ऐसा भी कोई गवाह नहीं है जिसने उसे सिनेमा हॉल के अंदर
या बाहर देखा हो। बिल्कुल ठीक भाई साहब, बिल्कुल ठीक। और वो औरत भी तो है जो रेलवे लाइन के उस पार बिल्कुल सामने वाले मकान में, अगर उस औरत की गवाही इस लड़के को कातिल साबित नहीं कर सकती है तो और कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है सर, सिर्फ वही ऐसे कत्ल की चश्मदीद गवाह। एक मिनट यार, एक औरत है जो अपने बिस्तर पर लेटी हुई और जिसे नींद नहीं आ रही है गर्मी की वजह से। ऐसे में ये औरत खिड़की खोलती है और बाहर झांकती है और देखती है कि ये लड़का अपने बाप को चाकू मार रहा है। और क्या सुनना चाहते हैं भाई साहब आप? बात यार है? और ये सब उसने गुजरती हुई लोकल ट्रेन के आखिरी दो डिब्बों से देखा। जी हाँ, तो कोई कैसे यकीन तौर पर कह सकता है कि वो वही लड़का है? ये भी बात हुई है? ये औरत इस लड़के को बहुत अच्छे तरीके से जानती है और बरसों से पहचानती है। इस औरत का घर रेलवे लाइन के उस पार बिल्कुल सामने वाले मकान में। और इस औरत ने अदालत में कसम खा करके ये बयान दिया था कि इसने लड़के को चाकू मारते हुए देखा। और इनकी याददाश्त जरा कमजोर है तो मैं इन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि अदालत में एक बात और साबित हो चुकी है कि अगर डिब्बे खाली हो और डिब्बों की रोशनी बुझी हुई हो तो खिड़कियों के उस पार क्या हो रहा है वो आसानी से देखा जाता है। उस दिन में भी था जिस दिन प्रूफ हुआ था। बात करें मिस्टर, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? अरे पूछो। आप उस लड़के का यकीन नहीं करते है ना? बिल्कुल नहीं। तो उस औरत का कैसे करते हैं जो उसी तबके की है जिस तबके का ये लड़का है? आप बहुत बड़े खलीफा बनने की कोशिश कर रहे हैं यार। आपसे कह देता हूँ कि अपना खलीफा बन कहीं और जाके जाइएगा। हालत बिगाड़ के रख दूंगा, बस शांति नहीं हो मुझे। ना तो आप जेल से गायब हो जाओगे। सरपंच सिंह नहीं बोलेगा आप सब लोग ऐसे झगड़िए मत। अच्छा चलिए आप बोलिए। जी मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आपकी मर्जी। आप देखिए, दरअसल मैं शुरू से इस कत्ल की वजह ढूंढ रहा था। मुझे तो शुरू से ही यकीन सा होना शुरू हो गया था कि उस मंजिल पर, मेरा मतलब है कि उस बिल्डिंग की उस मंजिल पर जो पड़ोसी हैं, उन्होंने जो गवाही दी है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये कहा था कि घटना वाले दिन, मेरा मतलब शाम को बाप बेटे में काफी झगड़ा वगैरह हुआ था और मेरे हिसाब से 7-7.25 के करीब। नहीं सर, 7 नहीं, 8 बजे। माफ कीजिएगा, 8 बजे। जी 8 बजे। उसी मंजिल के पड़ोसी का कहना है उन्होंने कुछ ऊंची ऊंची आवाजें सुनी, लेकिन बहस का मुद्दा क्या था ये उन्होंने नहीं सुना। बाप बेटे एक दूसरे से क्या कह रहे थे ये भी उन्होंने नहीं सुना। उसके बाद उन्होंने 2 थप्पड़ की आवाज सुनी जो बाप ने बेटे को मारे थे और उसके फौरन बाद उन्होंने लड़के को गुस्से से भागते हुए देखा। इससे क्या साबित होता है? देखिए, इससे साबित तो कुछ नहीं होता है, लेकिन ये पूरी बात इस तस्वीर का बहुत ही अहम हिस्सा है और ये बात मैं जूरी तक पहुंचाना चाहता था। मैंने ये तो नहीं कहा कि भाई साहब इससे कुछ साबित होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताना चाहते हैं कि इससे कत्ल की वजह जाहिर होती है? वेल, आई डोंट थिंक सो कि ये कोई ठोस वजह है। ये लड़का अपने जिंदगी में इतने बार इतने थप्पड़ खा चुका है कि इसके लिए सारी बातें आम सी हो चुकी है, रोजमर्रा की बात है। पर मुझे नहीं लगता कि सिर्फ 2 थप्पड़ की वजह से ये लड़का कत्ल करने के लिए उतारू हो जाएगा। आई थिंक यू आर राइट। हो सकता है कि ये वो आखिरी 2 थप्पड़ हो जहां जब्त की इंतहा हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आखिर हर चीज की एक हद हुआ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही। जी आप और कुछ कहना चाहते हैं? जी नहीं, शुक्रिया, भाई साहब ने मेरी बात पूरी कर दी। जी आपका नंबर है, आप बोलिए। भाई साहब जी आपका जूरी नंबर ऑर्डर में। ओ सॉरी सॉरी। वैसे भाई साहब मुझे नहीं पता कि क्या कहना चाहिए, क्योंकि भाई साहब पहले भी बहुत कुछ कहा जा चुका है। इन भाई साहब ने बहुत अच्छे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं और हम चाहे आज साल भर तक बात करते रहेंगे, बात वही की वही रहेगी। मेरे कहने का मतलब है लड़का कसूरवार है। आप उसका रिकॉर्ड देख लीजिए। 10 साल की उम्र में इसने अपने टीचर पर पत्थर मारा था और 15 साल की उम्र में इसे बच्चों की अदालत में सजा दी गई थी और सजा देने के बाद उसे वहां रखा गया था। रिफॉर्मेटरी स्कूल वहां रखा गया था। उससे छूटने के बाद इसने कई लनफन किए, कार चुराई और वो हाँ चाकूबाजी में भी तो एक्सपर्ट था आपका लड़का। देख लीजिए कितना शरीफ और नेक दिल था आपका लड़का। 5 साल की उम्र से उसने अपने बाप से मार खाई है, रोजाना बिला नागा, और बाप उसे एक थप्पड़ नहीं घुसे मारता। हाँ तो बिल्कुल सही करता था। अगर मैं उसकी जगह होता ना तो मैं भी ऐसे ही करता ऐसे नालायक लड़के के साथ। क्या आप उस मारपीट को इस कत्ल की वजह नहीं कहेंगे? नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ, लेकिन इस मारपीट की वजह से लड़का बहुत झगड़ालू और गुस्सेवार बन चुका था,
ये तो। अरे भाई साहब आजकल के तो सारे लड़के ही ऐसे हो गए, गुस्से और झगड़ालू बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब पूरी की पूरी नस्ल ही ऐसी है, क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, बस यहाँ बैठ के ना आधा आधा घंटा भाषण डाल सकते हैं हमारे सामने। बात कर रहे हैं हमसे। अरे भाई साहब इतने बदतमीज हो गए ना ये लड़के कि इनको ना बात तक करने की तमीज नहीं है अपने बड़ों से। बात कर रहे हैं हमसे। अरे भाई साहब जब हमारी उम्र थी ना इस लड़के के बराबर, अपने पिताजी से ना आंख तक मिलाने की हिम्मत नहीं होती थी हमारी। बताइए मिलेंगे आपको आजकल ऐसे बच्चे कहीं पर? बात कर रहे हैं शायद आजकल के पिता इस बात की जरूरत महसूस ना करते हो। क्या जरूरत महसूस ना करते? नहीं ऐसे कैसे जरूरत महसूस ना करते हो? अच्छा वो छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ तुम्हारे कोई बाल बच्चे हैं? हैं? हम तो बात कर रहे हैं। जी हाँ दो। हाँ मेरा भी एक बेटा था। मुझे लगता है कि हम लोग एक बार फिर बेमतलब की बात करने लगे। सीधी सी बात ये है कि हम यहाँ ये फैसला करने के लिए बैठे हैं कि लड़के ने अपने बाप का कत्ल किया है या नहीं किया है, उसकी परवरिश कैसे और कहाँ हुई है, इसकी कारण ढूंढने की हमें जरूरत नहीं। उसकी परवरिश एक नीचे और पिछले तबके में ही हुई है। इस माहौल में सिर्फ अपराध और अपराध ही जन्म लेते हैं, ये मैं जानता हूँ और वो आप भी जानते हैं। इस बात से सारी दुनिया वाकिफ है। जी अब आप बोलिए। शुक्रिया। मेरी बारी। जी आपकी। मेरे ख्याल से आप लोग मुझे समझाएंगे कि लड़का कसूरवार क्यों है, यही तय हुआ था ना? यस यस ही इज राइट, ये तो तय हुआ था। जी हां वो सॉरी मैं भूल गया था। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, यही तो है जिसके वजह से हम लोग यहाँ पर फंसे पड़े। अरे इन्हीं से पूछ लीजिए चाहते क्या है ये। हमने एक बात तय की है, हम उसी कायदे से चलेंगे। अरे कौन सा कायदा, कैसा कायदा, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं आप? बच्चों वाली सुनिए मिस्टर, मतलब क्या आपका? क्या का मतलब, क्या बच्चों वाली मतलब? बच्चों वाली हम जो संभाल रहे हैं आपको बच्चों वाली बात लगती है? ठीक है आप आइए, आप आ जाइए, आइए आइए आइए। आपका गर्म क्यों हो रहा है, बैठिए अपनी जगह पर। आप मुझे अपनी जगह पर बताइए, ये नहीं कुर्सी, और ये आप आइए बैठिए और संभालिए। देखिए क्या करते हैं, क्या समझ रहे आपने, क्या समझ रहे आप, कमाल कर लीजिए कुछ। आइए आइए मैं जो महसूस करता हूँ उसे अभी कह दूं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। आपको जो करना है कीजिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अरे सर आप सुन लीजिए ना, आप बोलो जरा, मुझे सुनते हैं आप। ठीक है बोलिए आप अपनी बात। देखिए मैं हर रोज कोर्ट की कार्रवाई देखता रहा हूँ, सारे सबूतों और गवाहियां भी सुनता रहा हूँ। इस केस में मुझे हर एक आदमी इतना निश्चित इतना शोर लग रहा था कि मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा कि इतना निश्चित इतना शोर कोई कैसे हो सकता है। हो सकता है मेरे इस शब्द का कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे एक एहसास होने लगा कि बचाव पक्ष का वकील ज्यादा काबिल नहीं था। उसने बहुत सारी बातें हाथ से जाने दी है, छोटी छोटी बातें। अरे यार क्या छोटी छोटी बातें, आपको मालूम है ये लोग छोटे मोटे सवाल तो पूछते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके जवाब उन्हें बहुत पहले से मालूम होते हैं। और भाई साहब साथ में ये डर भी तो होता है कि कहीं उनके पूछने से कोई गलती ना हो जाए। हो सकता है एक वकील बेवकूफ और कमजोर हो। लगता है इनकी मुलाकात मेरे बहनों से हो चुकी है। कमजोर और बेवकूफ। देखिए मैं अपने आप को इस लड़के के जगह पर रखकर सोचता रहा, अगर इस लड़के के जगह पर मैं होता तो मैं एक दूसरे वकील की मांग करता। मेरा मतलब है अगर मेरी जिंदगी इस तरह दांव पे लगी होती तो मैं चाहता कि मेरा वकील प्रोसिक्यूशन का डटकर मुकाबला करे, उसकी धज्जियां उड़ाए या फिर एटलीस्ट कोशिश तो करे। देखिए प्रोसिक्यूशन की पूरी बुनियाद सिर्फ दो गवाहियों पे टिकी हुई है। मान लीजिए ये लोग गलत हो तो? एक मिनट मान लीजिए गलत हो तो इससे क्या मतलब है आपका, फिर तो किसी को गवाह रखने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल है? वो भी इंसान है, उनसे भी गलतियां हो सकती है। नो आई डोंट थिंक सो। आपको निश्चित तौर पर लगता है कि वो गलत नहीं हो सकते? वेल नाउ लिसन, कोई भी आदमी इतना निश्चित नहीं होता, ये कोई साइंस नहीं है जहां कोई चीज निश्चित हो। बिल्कुल ठीक, ये कोई साइंस नहीं है जहां पे हर कोई चीज निश्चित हो। ओ भाई साहब अब जरा हम थोड़ी सबूतों की बातें कर ले यहाँ पर है, जरा उस चाकू के बारे में बात करिए जो आपके लड़के ने अपने बाप के सीने में घोपा था, उसकी बात तो कर नहीं रहे हैं हम यहाँ पर। एक मिनट अभी बहुत से लोग हैं जिन्हें अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला। अच्छा ये होगा कि हम सभी को जो भी कहना है ना खुद कह लेगा, तुम बीच में मत बोलो समझे। हाँ तो भाई साहब आप उस चाकू की बात करिए जो आपके इतने नन्हे मुन्ने भोले भाले लड़के ने कत्ल की शाम को खरीदा था। हाँ। और इस बात का जो इकरार भी किया था अदालत में, उसकी बात तो कर नहीं रहे आप। ठीक है उसकी बात करते हैं।
वो चाकू दिखाइए मुझे। एक मिनट, चाकू देखने का क्या मतलब है? ये चाकू देखने का क्या मतलब है? सबने देखा होगा चाकू यहाँ पे, सबने सारे सबूत देखे हुए। अरे पैसा समझा, यार पागल हो गया क्या ये आदमी? सबूत के तौर पर मुकदमे में जो चीजें पेश की जा चुकी है उन्हें देखने का इन्हें पूरा हक है। अबे बैठिए। बहरहाल अब आइए जरा एक एक करके उन सबूतों पर गौर कर लें जो मुकदमे में हमारे सामने पेश आए। नंबर एक, लड़का इस बात के लिए इकरार कर चुका है कि कत्ल वाली रात वो 8 बजे घर से बाहर निकला अपने बाप से झगड़कर। झगड़कर नहीं, उसने कहा था बहुत मार खाकर। मुझे लगता है झगड़ने में और मार खाने में बहुत फर्क है। ओके, अपने बाप से बहुत मार खाकर, ठीक है। नंबर दो, घर से निकलकर ये लड़का सीधे उस दुकान पर पहुंचा जहां उसने ये बटन वाला चाकू खरीदा। स्विच नाइफ, बिल्कुल ठीक, स्विच नाइफ। नंबर तीन, ये स्विच नाइफ या बटन वाला चाकू कोई मामूली चाकू नहीं है, इसे आप सब लोग देख चुके हैं। नंबर चार, वो दुकानदार जिसने ये बटन वाला चाकू उस लड़के के हाथों बेचा था अदालत में इसे पहचान चुका है और उसका यह भी कहना है कि इस किस्म का चाकू उसके पास सिर्फ एक ही था। नंबर पांच, रात के करीब 8:45 पर इस लड़के की मुलाकात एक होटल में अपने 3 दोस्तों से हुई, ठीक। अरे भाई साहब शर्तियां ठीक। और भाई साहब आप जरा ना भाई साहब की बात को ना थोड़े गौर से सुनिएगा। भाई साहब को पता है कि अपनी बात जो किस तरीके से रखी जाती है। हाँ, तो इस लड़के की मुलाकात एक होटल में अपने 3 दोस्तों से हुई 9:45 तक, तकरीबन 1 घंटा यह लड़का अपने दोस्तों के साथ रहा। नंबर 7, उन 3 दोस्तों ने अदालत में इस चाकू को पहचाना है और यह भी इकरार किया है कि यह वही चाकू था जो उस रात उस लड़के के पास इन 3 लोगों ने देखा था। नंबर 8, रात के करीब 10 बजे ये लड़का अपने घर पहुंचा। बस यहीं से इस लड़के की कहानी में और पुलिस के बयान में फर्क पैदा होता है। लड़के के कहने के मुताबिक वो 11 बजे तक अपने घर पर ही रहा और उसके बाद नाइट शो फिल्म देखने चला गया। फिल्म देखने के बाद जब वो घर वापस आया तो रात के करीब 3 या 3:15 बजे का वक्त था। घर वापस आकर उसको अपने बाप की लाश मिली और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हाँ, इस बीच उस चाकू का क्या हुआ? इसके लिए लड़के ने अपने तरफ से एक छोटी लेकिन निहायत ही खूबसूरत और मासूम कहानी इजाद कर ली कि उसकी जेब फटी हुई थी और इसी फटी हुई जेब से फिल्म के लिए आते या जाते वक्त वो चाकू रस्ते में कहीं गिर गया और जिसे दोबारा उसने कभी देखा ही नहीं। झूठ। लेकिन दोस्तों, ये कहानी एक कमजोर कहानी है। नाइट शो फिल्म रात के 9:30 बजे शुरू होती, ठीक है, लोग इंटरवल के बाद भी फिल्म देखने जा सकते हैं, लेकिन अगर फिल्म लंबी हो तो भी ज्यादा से ज्यादा 1:30 बजे तक खत्म हो जाती है। सिनेमा हॉल से आराम से पैदल चलकर यह लड़का अपने घर 2:15 या ज्यादा से ज्यादा 2:30 बजे तक घर पहुंच सकता है, लेकिन वो 3:15 बजे अपने घर पहुंचा। इतना वक्त उसे क्यों और कहां लग गए? इसके लिए भी उसके पास एक मासूम सा जवाब था, चाकू ढूंढता रहा। चाकू ढूंढता रहा। तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए ये बात साफ तरीके से कही जा सकती है कि लड़का उस रात सिनेमा देखने गया ही नहीं। बिल्कुल, सिनेमा हॉल के अंदर या बाहर उसे किसी ने देखा नहीं, उसे फिल्म का नाम याद नहीं, उसमें कौन कौन काम कर रहा था ये भी याद नहीं। जो कुछ हकीकत में हुआ होगा वो इस तरह से हुआ, लड़का उस रात घर पर ही था। बाप के साथ उसका एक बार फिर झगड़ा हुआ और इस बार गुस्से में आकर उसने अपने बाप के सीने में चाकू मार दिया और घर से बाहर निकल गया। लेकिन बाहर निकलते वक्त उसको एक बात बहुत अच्छी तरह से याद रही कि चाकू के हत्थे से उसने अपनी उंगलियों के निशान अच्छी तरह से मिटा दिए हैं। अरे भाई साहब जरा संभाल के, इनकी धार बहुत तेज है ना। थैंक यू। अदालत से जुड़े हुए हर शख्स ने इस चाकू को देखा है। अब आप क्या ये कहेंगे कि यह चाकू लड़के के फटी हुई जेब से कहीं गिर गया, राह चलते हुए किसी अजनबी ने इसको उठाया, लेकर लड़के के घर गया और यूं ही मजाक में लड़के के बाप के सीने में उतार दिया? बोलो, हो सकता है, ये मुमकिन है। हो सकता है ये चाकू सचमुच उस लड़के की जेब से कहीं गिरा और ऐसे ही सेम चाकू से
किसी और ने उसके बाप का कत्ल किया, ये हो सकता है। अब सब लोग देखिए, जरा गौर से देखिए इस चाकू को। ऐसा चाकू मैंने पहले कभी नहीं देखा, ना ही उस दुकानदार ने जिसने इसे उस लड़के के हाथों बेचा था। उसी रात ऐसा ही चाकू कोई और इस्तेमाल कर रहा था। इतना बड़ा इत्तेफाक आपको नामुमकिन नहीं लगता? नामुमकिन लगता जरूर है, लेकिन मुमकिन भी हो सकता है। अरे यार यार ये बंदे के पास क्या है? मैं समझ नहीं आ रहा हूं। मेरा मतलब है कि मैं भी समझ नहीं चाह रहा। आज मैं तो बात कर रहा हूं यार, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको यह चाकू कहाँ से मिला? कल रात में यूं ही टहल रहा था, टहलते टहलते इस लड़के के इलाके में पहुंच गया। उसके इलाके में छोटी सी दुकान है, उसी दुकान में मुझे सिर्फ 300 रुपए में मिला। क्या आप जानते हैं कि ऐसा चाकू बेचना या खरीदना कानून के खिलाफ है? जी हाँ, मैंने कानून तोड़ा है। वाह, बहुत बड़ा कमाल कर दिया ना तुमने, हैं? बहुत बड़ा तीर मार दिया। अच्छा ठीक है ऐसे 10 चाकू हो सकते हैं, लेकिन बात का मतलब क्या कि ऐसे 10 चाकू हो सकते हैं? हाँ तो ठीक है, ऐसे 10 चाकू हो सकते हैं, लेकिन तारे मुद्दे की बात करो। लाखों में मुश्किल से एक बार ऐसा हुआ है। लिया। लेकिन मुमकिन है। लेकिन ये मुमकिन नहीं। देखिए सब लोग, यहाँ पर झगड़ने से कोई फायदा नहीं है। वैसे बड़े आश्चर्य की बात है कि बिल्कुल वैसा ही चाकू मिल गया। एक मिनट, इसमें आश्चर्य की बात है? आश्चर्य की बात है इसमें? ये तुम्हें लगता है कुछ साबित हो गया? मैंने तो बस एक बात, आश्चर्य की बात है। अच्छा आप एक बात बताइए, आपके इस लड़के ने चाकू खरीदा क्यों था? उस लड़के का कहना ये था, अरे मुझे पता उसका क्या कहना था। उसका ये कहना था कि अपने दोस्त को प्रेजेंट करने के लिए खरीदा था। वाह। अच्छा आप एक बात बताइए, आपके इस लड़के ने चाकू कब खरीदा था? कब खरीदा था? अपने बाप से पिटने के 1.5 घंटे बाद। ठीक 3.5 घंटे बाद यही चाकू उसके बाप के सीने में यहाँ तक घुपा हुआ मिला था। भाई साहब, अब अपने दोस्त को प्रेजेंट करने के लिए खरीदा था, लेकिन चेक करना चाहता था धार तेजी के लिए, इसलिए खोप दिया। यही अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। पूछिए। ये उन सवालों में से है जो मैं अदालत से पूछना चाहता था। अगर इस लड़के ने अपने बाप का कत्ल करने के लिए चाकू खरीदा था, तो 2 घंटे पहले अपने दोस्तों को क्यों दिखाया? भाई साहब ये सब बकवास है। yes. उस लड़के ने झूठ बोला है और ये बात जो है ना आपको भी मालूम है। हो सकता है उसने झूठ बोला। आपको क्या लगता है उसने झूठ बोला है? क्या बेतुका सवाल है ये? उसने यकीनन झूठ बोला है। आपको भी लगता है उसने झूठ बोला है? मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, मेरा जवाब आप जानते हैं, उसने झूठ बोला है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है उसने झूठ बोला है? लोग हैं जिनका एक ही मत है कि लड़का जो है कसूरवार है, बात खत्म। मिस्टर यहाँ पर किसी का दिमाग नहीं बदल सकते आप, लेकिन इसी तरह अपने जिद पर अड़े रहना चाहते ना, तो अड़े रहिए, यहाँ पर फैसला नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। और नहीं तो क्या मिस्टर, आप चाहते क्या है? रात भर यही बैठे रहे हम लोग। हमारे लिए तो सिर्फ एक रात होगी, लेकिन लड़के की जिंदगी का सवाल है, पूरी की पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी उसकी। भाई साहब यहाँ पे किसी के पास ताश की गड्डी है? क्यों? आई नीड अ गेम ऑफ पेशेंस। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये चाकू का क्या मतलब है? ये चाकू का क्या मतलब है? अरे भाई साहब सीधी सी बात है कि लड़के को उसके बाप का कत्ल करते हुए देखा किसी ने, और क्या सुनना चाहते हैं आप? अरे भाई साहब धंधा चौपट हो रहा है मेरा, जो भी करना है जल्दी कीजिए और छुट्टी दीजिए। सर देखिए चाकू की बात बहुत अहमियत रखती है इस केस पे, पूरा एक दिन तो इसी पर खर्च किया था सरकारी वकील। अरे सरकारी वकील चीज क्या है? सरकारी वकील जुम्मा आठ दिन की वकालत थी उसकी, क्या जानता होगा वो? 50वां या 60वां असिस्टेंट था, क्या जानता होगा? तो अरे क्या चुभ रही आप? अरे बोलने क्यों नहीं देते यार ये लोग मेरे को? अच्छा सुनिए, आप लोग के लिए मेरा एक सुझाव है,
मैं एक बार फिर से वोटिंग करना चाहूंगा। अरे वोटिंग का क्यों? क्यों वोटिंग पागल हो गया? वोटिंग क्यों जाना जाती? वोटिंग सीक्रेट रहेगी और मैं पार्ट नहीं लूंगा। अगर कुसुरवार के पक्ष में 11 वोट आते हैं तो अभी भी मैं अकेला खड़ा हूँ। हम कुसुरवार का पक्ष लेके अदालत में चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन बेकसूर के पक्ष में एक भी वोट आता है तो हम यही बैठेंगे और बातचीत जारी रहेगी। मेरे हिसाब से बात बिल्कुल ठीक है। भाई साहब पहली बार आपने जो है ना यहाँ कोई समझदारी की बात की। ठीक है, वोट कर लेते हैं। किसी को कोई एतराज तो नहीं है? कुसूरवार तुम्हें रुके हुए थे कौन है ये आदमी? वाह भाई साहब वाह, बहुत बढ़िया दिखा दिया आपने अपना कमाल। भाई साहब पहले इन्होंने हमारे साथ मिलकर कुसूरवार का वोट दिया और अब इस बहुत बड़े समाज सुधारक की बातें सुनकर कि लड़का बहुत गरीब है, बहुत मासूम है, उसने मजबूरी में आकर कत्ल कर दिया। इनका इनका क्या कहते हैं परिवर्तन हो गया। ऐसा कभी आदमी नहीं देखा मैंने। अब दो तीन लड़ ले तुमने एक काम करो, तुमने इसके समाज सुधारक फंड में आकर चंदा रह लो। अभी से बात करिए, आपकी उम्र का लिहाज करो। अरे तुझे बोल जाए अभी से बोलिया शाम को शक करेंगे ना। अरे किसी किसी आदमी को गुस्सा चढ़ गया, गुस्सा जल्दी आया था। भाई साहब गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या आएगा? भाई साहब यहाँ पर हमें कातिल को भाभी के तख्ते पर बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर हर किसी का सवादा भाषा शुरू हो जाता है और हम सब लोगों को सुनना पड़ता है, तो भाई साहब गुस्सा नहीं आएगा मुझे? भाई साहब मैं कह रहा हूँ भाई साहब, ये लड़का ना कल आपको सड़कों पे घूमता हुआ मिलेगा। भाई साहब छोड़िए ना, अरे तुम छोड़ो मुझे, यहाँ पे कातिल को छोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब अरे तुम ना एक काम करो, तुम उसका जो चाकू है ना ये ले जाकर भी उसे दे दो, उसका काम जो ना और भी आसान हो जाएगा। आप बैठिए बैठिए अपनी जगह पे, आप बैठिए करके रखिए पता नहीं कहां से फालतू की बातें निकाल कर। यहाँ पर किसी को और कुछ कहना है? माफ कीजिएगा सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है कहिए। देखिए हमारे देश में प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में हर इंसान चाहे वो पूरब का हो, पश्चिम का हो, उत्तर का हो, दक्षिण का हो, भारत के किसी भी कोने का हो, उसे अपनी बात कहने का हक है और ये हक जो है वो उसे संविधान ने दिया है। नहीं आप कहना क्या चाहते हैं, ये लड़का बेकसूर है? नहीं नहीं सर, इस मामले में मैं आपके साथ हूँ। अब जैसे कि हमारे तमिलनाडु में तमिलनाडु कहाँ भटक रहे आप, या कोई साउथ और नॉर्थ कंफेडरेसी नहीं चल रहा जो अपनी बात कर रहे हैं? अरे मेरी बात चुप रही है, आप चुप रही है। अरे बोलने क्यों नहीं देते? चुप रही है, चुप रही है। मिस्टर आपने अपना वोट क्यों बदला? आप भी कैसे बोल रहे हैं? मैंने अपना वोट बदला। इसकी वजह नहीं जानना चाहेंगे कि हमने अपना वोट क्यों बदला? नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन हम आपको उसकी वजह जरूर कोई जबरदस्ती क्या नहीं जाना चाहेंगे। सुनिए मिस्टर, वो बुजुर्ग आ रहे हैं, उनसे तमीज से बात कीजिए। आप ही सुनिए ना भाई साहब, आप बोलिए हम सब सुनेंगे आपकी बात। जी बेटे शुक्रिया। ये साहब सबके खिलाफ अकेले खड़े हैं, इन्होंने ये नहीं कहा कि लड़का कसूरवार है, लेकिन जरूर जरूर इन्हें कहीं ना कहीं कोई माकूल शक नजर आ रहा है। मेरा ख्याल है सब आदमियों के खिलाफ अकेले खड़े होना, सबकी शिकायती नजरों का सामना करना कोई आसान काम नहीं है। इन्होंने एक खेल खेला है, शायद इन्हें कहीं कोई एक सहारे की तलाश थी जो कि मैंने इन्हें दिया। इनके मकसद का मैं एहतराम करता हूं। मेरी नजर में लड़का अभी भी कसूरवार है, लेकिन मैं कुछ और बातें भी जानना चाहूंगा। तो फिलहाल वोटिंग का हल 10 के मुकाबले बदतमीजी कर रहे हैं। देखिए पानी आपका पाचन समाप्त हो गया हो तो जरा हम आगे बढ़े प्लीज। एक मिनट
रुकिए आप, अभी एक जना अंदर गए, उन्हें वापस आने दीजिए। अरे जाओ यार, ठीक हो गया, जाओ। सर आप बैठिए, खांसी की गोलियां ले लीजिए आप। आप सेल्समैन है क्या? जी नहीं, मैं आर्किटेक्ट हूँ। वैसे शक्ल से तो आप सेल्समैन ही लगते हैं, काफी धीरज है आप और काफी बर्दाश्त। लेकिन वैसे मेरी टेक्निक थोड़ी दूसरी है। पार्टी, जोक्स, मूवीज, इन सब में मैं बड़े बड़े हस्तियों को नशे में डाल देता हूँ, और जब वो लोग नशे में धुंध हो जाते ना, उसे बड़े बड़े चेक्स और कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता हूँ, सालों की छुट्टी कर देता हूँ। वेरी सक्सेसफुल टेक्निक। और इसी टेक्निक की वजह से मैंने पिछले साल 50 lakhs 80,000 का बिजनेस किया है, और ये मेरा नया बिजनेस कश्मीर कारपेट्स इसी टेक्निक से तो खुला है। मिस्टर आप एक काम करिए, मिस्टर एक कार्ड रख लीजिए, मिस्टर कार्ड रख लीजिए, मिस्टर रख लीजिए, काम आए, मजा आ रहा है क्या? Excuse me? भाई साहब आपको भी पता है कि लड़का कसूरवार है, तू यहाँ सबका क्रॉस एग्जामिनेशन लगा रखा है आपने, और खामों का इनसे भी झगड़ा करवा दिया मेरा। वैसे भी आप बैठे बैठे कमर टूट रही है मेरी, यहाँ बैठे टूट रही है या सिनेमा हॉल में, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता मिस्टर। सिगरेट लेंगे आप? जी नहीं, भाई साहब और कितनी देर लगेगी हम लोगों को? पता नहीं भाई साहब, क्या आपको सच में लगता है कि लड़का बेकसूर है? पता नहीं, हो भी सकता है। भाई साहब आपको मान लेना चाहिए कि लड़का कसूरवार है, हम सबकी यहाँ पर एक ही राय है। अब फालतू में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, मान लीजिए मेरी बात। भाई साहब सर आपने आपको इस लड़के की जगह पर रखकर सोचिए। देखिए भाई साहब, ये सोचने का काम मुझे नहीं आता, मैं बहुत ही मामूली इंसान हूँ। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि लड़का बेकसूर है, भाई साहब अगर सच मुझ में उसने बाप का कत्ल किया हो तो चलिए आइए बैठिए सर, हम शुरू करना चाहते हैं। बाद में आपसे नंबर चलिए जनाब, जल्दी चलिए। मैं जा रहा हूँ ना, सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा यार। तो कहिए पहले कौन शुरू करना चाहेगा? जी एक बात, मेरे हिसाब से ये ठीक रहेगा। I'm sorry. जी माफ कीजिएगा, मेरा बीच में बोलने का इरादा नहीं था। कोई बात, आप बोलिए। कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करिए। जी शुक्रिया। दरअसल मैं जो कहना चाहता हूँ वो बहुत ही मामूली सी बात है, लेकिन इस केस को लेकर बहुत ही अहम। खैर छोड़िए, जैसे कि हम सब जानते हैं कि लड़के के पास अपने बाप का कत्ल करने का मकसद है, पिटाई वगैरह। लेकिन जैसा कि ये भाई साहब कह रहे हैं कि लड़के ने अपने बाप का कत्ल नहीं किया, तो भाई साहब फिर किसने किया? बिल्कुल। और क्यों किया? मेरे कहने का मतलब है कि कोई किसी का कत्ल करने यूं ही नहीं पहुंच जाता, सिवाय किसी ठोस मकसद के या सिवाय किसी पागल के। मेरे हिसाब से ये पॉइंट भी दुरुस्त है, और लड़का कसूरवार ही है भाई साहब। हम लोग यहाँ पे सिर्फ इस बात का फैसला करने बैठे हैं कि वो कत्ल उस लड़के ने किया या नहीं। अगर किसी और ने किया है और क्यों किया, इसे हमें कोई मतलब नहीं। ये जानना पुलिस का काम होता है। इन साहब के पॉइंट काफी दुरुस्त है। जी शुक्रिया। लड़के का बाप का कत्ल हुआ है, अगर लड़के ने नहीं किया है तो फिर किसने किया है? जी मैं बताता हूँ भाई साहब, किसने किया मैं बताता हूँ भाई साहब। लड़के के बाप का कत्ल जो है ना, वो इनकी कौन है, अमरिंदर बाहुबली भाई साहब, उन्होंने किया। अरे नहीं भाई साहब, अमरिंदर बाहुबली ने नहीं, कटप्पा ने किया होगा। अब हमारे भाई साहब ढूंढेंगे कि कटप्पा ने क्यों किया। मुझे नहीं लगता है कि इस किस्म की घटिया मजाक की कोई जरूरत है। अगर आपके पास बात करने के लिए लतीफों के अलावा कुछ नहीं है तो खामोश बैठिए और सुनिए। नहीं नहीं भाई साहब, मैंने तो बस यूं ही एक स्किन छोड़ी थी। आई एम सॉरी, आप अपनी बात आगे बढ़ाइए। तो शायद आप बता सके कि लड़के का बाप का कत्ल किसने किया? जी बता।
वो मुझे मालूम नहीं। लेकिन इस लड़के का बाप कई मायनों में कोई अच्छा आदमी नहीं था। I mean to say, कोई आदर्श नागरिक नहीं था। उसे जुआ खेलने की बहुत बुरी आदत थी और ज्यादातर वो हारता था। शराब भी बहुत पीता था और झगड़ा भी बहुत करता था। इस तरह एक झगड़ा एक औरत के पीछे, उसने उसमें किसी का हाथ तोड़ दिया। वो एक जालिम और वैश्य किस्म का इंसान था जिसने कहीं भी 6 महीनों से ज्यादा काम नहीं किया है। तो ये संभावना हो सकती है कि उसका कत्ल उन तमाम लोगों ने किया है जो उसके साथ जेल में थे, या फिर ऐसा कोई शख्स जिसके साथ उसका झगड़ा हुआ हो। शराब के पीछे, जुए के पीछे, या फिर उस औरत के पीछे, कुछ भी हो सकता है। ओफो, क्या लफाजी है ये? हमें मालूम है कि उसका बाप एक घटिया किस्म का इंसान था। उसकी कहानी क्यों सुना रहे आप? मैं सुना नहीं रहा, मुझे किसी ने सवाल किया उसका जवाब दे रहा। इन साहब ने उससे डायरेक्ट सवाल किया है। डायरेक्ट डायरेक्ट का मतलब नहीं समझते आप? हर आदमी वकील बना हुआ है यहाँ पे। मेरा और एक ख्याल है। आपका बस ख्याल है, जो सच्चाई है, फैक्ट्स असली है, उसका क्या? उसे तो आप लोग भुला ही बैठे यहाँ पे। भाई साहब, ओ भाई साहब, आप जरा सबूतों की बातें करिए, उनकी बातें तो कर नहीं रहे आप हैं। आप जरा उस बूढ़े की बात करिए जिसने ये लड़ाई झगड़े की आवाज सुनी है, और उसके बाद इस लड़के की चीख भरी आवाज सुनी, मैं मार डालूंगा तुझे। उसके बाद किसी के दम से गिरने की भी आवाज सुनी, और उसके बाद इस लड़के को जो है बाहर भागते हुए भी देखा सीढ़ियों से, उसकी बात तो कर नहीं रहे आप। ऐसी आवाजों को पहचानना इतना आसान नहीं, खास तौर से चीखती हुई आवाज को, वो भी नीचे वाली मंजिल से। आपको नहीं लगता कि बूढ़े से गलती हुई है? उसने ऊपर से आती हुई आवाज सुनी और फौरन तय कर लिया कि वो वही लड़का। हद कर दिया तुमने, हद कर। बूढ़े ने लड़के के बाप की आवाज सुनी और लड़के को 15 सेकंड बाद सीढ़ियों से भागते हुए देखा। बूढ़े ने लड़के को भागते हुए देखा। एक मिनट, उस सामने वाली औरत की बिना भूलिए, उसने लड़के को चाकू मारते हुए देखा। काफी नहीं? फिलहाल नहीं, मेरे लिए इतना काफी नहीं। हद हो गई यार, ऐसा लग रहा है किसी डेडफोन में बात कर रहे, आदमी सुन नहीं रहा। एक सेकंड, उस औरत ने उस लड़के को कत्ल करते हुए देखा। एक गुजरती हुई रेलगाड़ियों की खिड़कियों के थ्रू, करेक्ट? बिल्कुल करेक्ट। रेलगाड़ी में 9 डिब्बे थे और आखिरी 2 डिब्बों की खिड़कियों के थ्रू उसने उसे देखा था। उसे इतनी छोटी छोटी चीजें याद रही, कम से कम मेरे समझ से बाहर है। आप बहस किस बात पर करना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बताओ इस बारे में क्या कहना है तुम्हारा? पता नहीं, मुझे अभी कुछ जम नहीं रहा है। वाह भाई साहब वाह, मुझे कुछ जम नहीं रहा है। तो भाई साहब जब जम जाए ना, तो आके हमें जरूर बता दीजिएगा। आपके राउंड ऑफ खेल रहे हैं। हाँ लीजिए। क्या कर रहे हैं आप? ये मेरा जीरो है, ठीक है? तुमने जीरो ले लिया, मैं अगले पन्ने पर बना रहा हूँ। ये जीरो मेरा कट तक तुम्हारा नया बना। क्या कोई बता सकता है कि एक लोकल ट्रेन को किसी खास पॉइंट से गुजरने में? ये क्या बदतमीजी है? यहाँ पे कोई बच्चों का खेल नहीं चल रहा है। नहीं, ये क्या बदतमीजी है? ये आदमी समझता क्या अपने आप को? एक लड़की की जिंदगी का सवाल है, समझते हैं आप? अरे ये समझता क्या? एक झामड़ मारूंगा इसको, हिंदू लग जाएगा अभी कभी। अरे इतनी हिम्मत, अरे छोड़ मुझे, इसकी इतनी हिम्मत मेरी कॉपी का पन्ना भाग लिया। अरे छोड़ मुझे, इतनी हिम्मत मेरी गोभी का बनना मार दिया है? मेरी गोभी का बनना? नहीं, शांत रहिए, शांत रहिए। हाँ वो बनना मार दिया। ट्रेन वाली बात आप क्या कह रहे थे, जरा सुन लेते हैं। शुक्रिया। क्या कोई बता सकता है कि लोकल ट्रेन को किसी खास पॉइंट से गुजरने में कितना वक्त लगता है? इससे क्या होगा, कितना वक्त लगता है? हट, मुझे नहीं पता। फालतू के सवाल। आपको पता है? जी मुझे भी नहीं पता जी, मेरे हिसाब से यही कुछ 10-12 सेकंड। लो शुरू हो गया बच्चों का खेल। और मेरे हिसाब से जो ट्रेन की लंबाई है वो है 150 गज, और अगर वो 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है तो करीब 15.3 सेकंड। ठीक, ओफ, चलिए 15 सेकंड मान लेते हैं, लेकिन आप मतलब की बात कीजिए कि कहना क्या चाह रहे हैं आप? देखिए, 9 डिब्बों वाली किसी खास ट्रेन को एक पॉइंट से गुजरने में 15 सेकंड का टाइम लगता है। अब हम मान लेते कि वो खास पॉइंट वो कमरे की खिड़की है। ये कमरा हम सब लोगों ने देखा, ये कमरा रेलवे लाइन के बहुत नजदीक है। अब मुझे कोई बता सकता है कि रेलवे लाइन के इतने नजदीक कोई रह चुका है? जी हाँ, मेरा हाउस पेंटिंग का धंधा है, तो उसी के सिलसिले में मैं यही कुछ 3-4 दिन रहा था वहां पर। तो वहां पे बहुत शोर होता है? जी हाँ, काफी शोर होता है, लेकिन भाई साहब कुछ उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ ही देर में शोर की आदत हो जाती है तो सब कुछ नॉर्मल लगता है। बिल्कुल ठीक जी। एक बार मैं भी रेलवे लाइन के इतने नजदीक रह चुका हूँ, जब लोकल ट्रेन गुजरती है और खिड़की खुली होती है तो इस कदर शोर होता है कि अपनी आवाज भी खुद को सुनाई नहीं। बिल्कुल ठीक। अरे ठीक है, अपनी आवाज खुद को सुनाई नहीं देती, इस बात का मतलब क्या है? बताता हूँ,
बताओ। जरा ध्यान से सुनिए। बोलो। पहली गवाही उस बूढ़े की, उसका कहना है उसने ऊपर से आती हुई आवाज सुनी, मैं मार डालूंगा तुझे। उसके दो सेकंड बाद उसने किसी के धम से गिरने की आवाज सुनी, ठीक? ठीक, बिल्कुल ठीक। दूसरी गवाही उस औरत की, उसका कहना है उसने गुजरते हुए लोकल ट्रेन के आखिरी दो डिब्बों से कत्ल की वारदात होते हुए देखी, आखिरी दो डिब्बों से। अब हम सब ने मान लिया कि एक लोकल ट्रेन को किसी खास पॉइंट से गुजरने में 15 सेकंड्स का टाइम लगता है। चूंकि ये घटना उस औरत ने लोकल ट्रेन के आखिरी दो डिब्बों से देखी, तो हम मान सकते हैं जिस वक्त ये लोकल ट्रेन वहां से गुजरी उसी वक्त लड़के का बाप फर्श पर गिरा। इसका मतलब तकरीबन 10-12 सेकंड के अंदर ये लोकल ट्रेन जबरदस्त शोर करते हुए बूढ़े के खिड़की के पास से भी गुजरी। अब बूढ़े आदमी के गवाही के मुताबिक मैं मार डालूंगा तुझे और किसी के धम से गिरने की आवाज उसी वक्त सुनाई दी थी जिस वक्त ये लोकल ट्रेन जबरदस्त शोर करती हुई गुजर रही थी। अब सबको याद होगा जब हम ये कमरा देखने गए थे एक लोकल ट्रेन गुजरी थी, मुझे नहीं लगता कि इतने शोर में बूढ़े को कुछ सुनाई दिया होगा। क्या बेवकूफी की बात है? बिल्कुल सुनाई दिया होगा उसे, बिल्कुल सुनाई दिया होगा। आपको यकीन तौर पर लगता है कि उसे कुछ सुनाई दिया होगा? ओ भाई साहब, उस बूढ़े ने कहा था कि लड़के ने चीख कर कहा है, समझे? चीख कर। ठीक है, अगर उसने कुछ सुना भी होगा तो मुझे नहीं लगता कि ट्रेन के शोर में आवाज पहचानी होगी। ये तो बिल्कुल भाई साहब बाल के खाल निकालने वाली बात कर रहे हैं, एक एक सेकंड की बात कर रहे हैं। ओ भाई साहब सुनो, इतना निश्चित नहीं हो सकता, कोई इतना निश्चित नहीं हो सकता। देखिए, गवाहियां किसी को भी फांसी के तख्ते पे पहुंचा सकती है, उसे इतना निश्चित इतना श्योर होना ही चाहिए। मुझे नहीं लगता उस बूढ़े ने कुछ भी सुना होगा। मुझे भी यही लगता है। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। नहीं, क्या पागल हो गए क्या आप लोग? आप मुझे एक बात बताइए, वो लड़का झूठ क्यों बोलेगा? है वो बूढ़ा झूठ क्यों बोलेगा? उसे क्या हासिल हो जाएगा इससे? की नजरों में शौहरत अहमियत, शौहरत। वाह भाई साहब वाह, आपके मुंह से तो जो है ना गीता बहती है। आप एक काम करिए, अपनी इस गीता को जो है ना गोरखपुर प्रेस वालों को भेज दीजिए, अच्छे पैसे कमा लेंगे आप उसके वास्ते। सुनिए मिशन, अब उसे इस तरह की बात कर रहे हैं? जब कोई शख्स किसी बुजुर्ग के साथ इस तरह पेश आता है, आप उसको लोग क्या कहते हैं? आप कभी नहीं आइए, आप सरकारी बार आपके ऐसा किया तो अच्छा नहीं हुआ। अरे छोड़िए, कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? भाई साहब आप बोलिए, आपको क्यों लगता है इस बूढ़े ने झूठ बोला होगा? जी शुक्रिया बेटे, इसलिए क्योंकि अदालत में मैं उसे बहुत गौर से देख रहा हूँ। वो फटा हुआ कोट पहना था जिसकी सीवन उधड़ी हुई थी। गौर किया होगा आप लोगों ने, वो बहुत ही धीरे धीरे चलकर अदालत तक पहुंचा था। उसके बाएं पैर में चोट थी जिसे वो शर्मिंदगी की वजह से छुपाने की कोशिश भी कर रहा था। मेरा ख्याल है कि आप लोगों से बेहतर मैं उसे पहचान सकता हूँ। वो बहुत ही डरा हुआ, सहमा हुआ मामूली सा आदमी था जिसकी जिंदगी में कभी कुछ नहीं था, जिसका नाम कभी अखबार में नहीं आया, जिसका जिक्र कहीं नहीं होता, जिससे कभी कोई राय नहीं मांगता। ऐसे आदमी के दिल में एक हसरत होती है, एक तमन्ना होती है कि कभी उसे अहमियत दी जाए, और अगर ऐसा मौका उसे मिल जाए तो उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो ऐसे मौके को हाथ से जाने दे। एक मिनट, मतलब इन भाई साहब का कहना है कि बूढ़े ने झूठ इसलिए बोला ताकि उसे थोड़ी सी अहमियत मिल जाए। मैं ये नहीं कहता कि उसने जानबूझ के झूठ बोला, लेकिन शायद उसने अपने आप को यकीन दिला दिया कि जो आवाज उसने सुनी वो उस लड़के की आवाज थी। ओ भाई साहब, क्या आप इस वक्त वो नहीं कर रहे हैं? क्या कहता उसे अहमियत पाने की कोशिश? मुझे लगता है कि ये बच्चों जैसा बर्ताव हमें बंद कर लेना चाहिए। इस तरह से जातीय जज्बात का मुजाहरा करना हमारे लिए मुनासिब भी नहीं। बिल्कुल ठीक भाई साहब। चलिए आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि हम लोग साबित कर चुके हैं कि बूढ़े ने लड़के की आवाज में मैं मार डालूंगा तुझे नहीं सुना। ओ भाई साहब, साबित कुछ नहीं हुआ, क्या बकवास कर रहे हैं आप? ठीक है, अगर बूढ़े ने लड़के की आवाज में मैं मार डालूंगा तुझे सुना है तो भी ये इतनी आम सी बात है जिसे हम रोज मुहावरे की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर तुम मुझे मिलने नहीं आई तो मैं मार डालूंगा तुझे, या फिर देखो बंटी अगर दोबारा तुमने ये हरकत की तो मैं मार डालूंगा तुझे, या फिर कमान बुमरा किल हिम, ऐसी कई सारी बातें हम रोज मोहरे की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारा मतलब सचमुच मार डालने से नहीं होता। वो भाई साहब, उस लड़के ने ना ये बात पूरे ताकत के साथ कही थी, ताकत के साथ गुस्से में, और जब भी कोई गुस्से में चीख कर ऐसे बात करता है ना तो उसका वही मतलब होता है। कोई नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरी एक साथी के साथ बहस हो रही थी और उसने मुझे गुस्से में उल्लू का पट्टा कह दिया। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसे कह दिया मैं तुझे मार दूंगा। बिल्कुल सही। एक मिनट, चुप रहो। भाई साहब मैं कह रहा हूँ, भाई साहब ये आदमी जो है ना हमें कुछ ऐसी बातों पर यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है भाई साहब, जिसका ना इस मुकदमे से कोई ताल्लुक ही नहीं है। भाई साहब मैं कह रहा हूँ, उस लड़के ने कहा था मैं मार डालूंगा तुझे और उसने मार दिया। पूरी बात तो सही, बड़बक कहीं का।
फिर एक बात बताइए, आपको वाकई लगता है कि लड़का इतना बेवकूफ है कि इस तरह की बातें जोर से चीख कर कहेगा ताकि पास पड़ोस वाले भी सुन ले? मुझे तो वो लड़का काफी समझदार लगा। क्या 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 समझदार? वो साला अनपढ़ गवार, he don't even speak good Hindi. सर, he does not even speak good Hindi. इंग्लिश का थोड़ा प्रॉब्लम लगता है निको। हाँ तो ठीक है, अंग्रेजी कौन सी हमारी मातृभाषा है? कोई बात नहीं सर, सिखा देंगे आपको, सिखा देंगे। माफ कीजिएगा, मैं अपना वोट बदलना चाहता हूँ, बेकसूर। ये बात आप सोच समझ के कह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सोच समझ के कह रहा हूँ। ए मिस्टर सुनिए, आपके इस फैसले की बुनियाद क्या है? ये इंसाफ की कहानियां? अरे भाई साहब, इनका तो काम ही है कि अपनी कहानियां लिखो और वहां प्रेस में छाप दे, अच्छे पैसे मिलेंगे इनको वहां से। आप एक बात बताइए, आपने अपना वोट क्यों बदला? हाँ? ये सारे प्रूफ्स आपके सामने खड़े हैं खंभों की तरह। यहाँ के हर आदमी का कहना है कि लड़का कसूरवार है। हाँ? और उसका वकील भी आज तक चुप रहा, क्योंकि उसको भी पता है कि केस में जरा सा भी दम नहीं है। उसका अपना वकील, इतनी सी बात आपके दिमाग में नहीं है? सुनिए, ऐसा कई बार होता है कि फैक्ट के आधार पर किसी आदमी को कातिल मान लिया गया, फिर उसे जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन 10 साल बाद 15 साल बाद उसे छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि असली कातिल पकड़ा गया। ऐसी कई सारी बातें हमें रोज अखबार में पढ़ने को मिलती है। मैं आपसे बात कर रहा था, मैं इनसे बात कर रहा हूं। आप बोलिए, बोलना है, उसे बोलिए। सुनिए मिस्टर, लड़के का केस उसके वकील ने लड़ा था ना, उसके वकील ने लड़ा था ना। आपका दिल क्यों इतना तड़प रहा है मिस्टर? आपके रिश्तेदार है, आपका दिल क्यों इतना तड़प रहा है? इंसान होते हैं, उनसे भी गल्तियां हो सकती है। तुम्हें इनसे बात, आप उससे बोलिए, आप उसे बोल रहे हैं। ये वकील कोर्ट की तरफ से अपॉइंट किया गया, तो उससे क्या होता है? इससे काफी कुछ हो सकता है। ये केस उसे दिया गया था, उसने खुद नहीं लिया था। इस केस में उसके लिए कुछ नहीं था, नाम नहीं था, पैसा नहीं था, यहाँ तक जीतने की कोई संभावना भी नहीं थी। एक नए नौजवान वकील के लिए इस केस में आकर्षक कुछ नहीं था। और मुझे लगता है केस मजबूती से लड़ने के लिए एक वकील को अपने मौकिल पे विश्वास होना चाहिए, और जैसे कि आप खुद बता चुके हैं, ये विश्वास उस वकील को उस लड़के पे नहीं था। नहीं था और हो भी नहीं सकता भाई साहब, सिवाय आपके। शिट, टाइम देख लीजिए कितना हो गया है। माफ कीजिएगा, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पास। अब भी पॉइंट्स, मेरे कुछ सवाल हैं जिनका मैं जवाब जानना चाहता हूं। देखिए, कत्ल हुआ रात के 12:10 पर, और पुलिस ने इस लड़के को गिरफ्तार किया रात के 3 या 3:15। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर इस लड़के ने सचमुच अपने बाप का कत्ल किया है, तो 3 घंटे बाद उसी जगह पर वापस लौट कर क्यों आया? क्या इसे पुलिस का डर नहीं था? हा? मैं बताता हूँ भाई साहब, वो वापस लौट कर क्यों आया। वो भाई साहब इसलिए वापस लौट कर आया था ताकि वो जो चाकू है ना वहां से वापस ले सके। ऐसे लोगों के सीने में चाकू छोड़ना अच्छी बात नहीं है। भाई साहब, बहुत गंदी बात होती है, और अच्छे बच्चे तो ऐसा कभी नहीं करते, खास करके अपने रिश्तेदारों के साथ। भाई साहब, आपकी कौन सी बात है? लड़का जानता था उसका वो चाकू कुछ लोग देख चुके हैं, जिसे बाद में अदालत में पहचान सकते हैं। इससे पहले कि वो चाकू पुलिस के हाथों में पहुंचे, लड़का उसे खुद हासिल करना चाहता। बिल्कुल, अगर वो जानता था कि चाकू अदालत में पहचान लिया जाएगा, तो उसने उसे वहाँ छोड़ा ही क्यों? इसलिए कि कत्ल के फौरन बाद लड़का इतना ज्यादा घबराया हुआ होगा कि वहाँ से भाग खड़ा हुआ, लेकिन बाद इसका दिमाग कुछ ठंडा हुआ तो इसे याद आया कि घबराहट में वो चाकू वहीं छोड़ा है। एक मिनट, आपकी इस घबराहट का मतलब क्या है? मतलब कत्ल के फौरन बाद उसका दिमाग इतना ठंडा हो गया कि ये बात उसे अच्छी तरह से याद रही कि चाकू के हत्थे से उसने अपनी उंगलियों के निशाने साफ कर लिए। तो जरा बताइए कि उसकी घबराहट किधर शुरू हुई और किधर खत्म हुई? मैं बताता हूँ भाई साहब, वो इसलिए वापस आया था ताकि वो जो चाकू है ना वहां से वापस ले सके और उसे ठिकाने लगा। 3 घंटे बाद? हाँ, 3 घंटे बाद। अगर मैं वो लड़का होता और मैंने अपने बाप का कत्ल किया होता, तो उस जगह वापस लौट कर कभी नहीं आता। नहीं भाई साहब, आपने कसूरवार का वोट किया या बेकसूर का? नहीं, किसकी तरफ है आप? देखिए सर, मैं किसी की तरफ नहीं हूँ। मेरे जहन में कुछ शक है जिनका मैं जवाब जानना चाहता हूँ, बस। एक मिनट, ये दिमाग में एक से बढ़कर एक आइडिया आने लगते। देखो, अगर उस लड़की की जगह मैं होता तो मैं वापस आता चाकू लेने के लिए। हाँ। चांस होता। हाँ। लेकिन मैं लेता। हाँ। उस लड़के ने भी यही सोचा होगा। बिल्कुल, आफ्टर ऑल ये सारी घटना आज रात को घटी है। बिल्कुल, उस लाश को अभी तक किसी ने देखा भी नहीं होगा। नहीं, माफ कीजिएगा सर, लेकिन सामने वाली औरत का बयान था कि जैसे ही उसने कत्ल होते हुए देखा, उसके मुंह से जोर से चीख निकली और वो पुलिस को इख्तला करने के लिए दौड़ी। तो ये चीख उस लड़की ने भी जरूर सुन ली होगी, और उसे पता चल गया होगा कि कत्ल करते वक्त उसे किसी ने देख लिया है। इसके बाद भी वो वहां पर वापस लौट कर कैसे आया 3 घंटे बाद? ये बात मेरे ने गले से नहीं उतर रही। 2 वजह हो सकती है। हाँ। पहले ये कि हो सकता है घबराहट में उसने वो चीख सुनी ही ना हो। हाँ। जो हो सकता है ज्यादा ऊंची ना रही हो। बिल्कुल। और दूसरी ये कि अगर उसने वो चीख सुनी भी हो, तो हो सकता है अपने हरकत से जुड़ा ना हो। बिल्कुल, भूलिएगा मत, ऐसे चीखों पुकार उस इलाके में रोजमर्रा की बात है। बिल्कुल बिल्कुल,
लड़के ने बाप का कत्ल किया, हो सकता है उसे सामने वाली औरत की चीख सुनाई नहीं दी हो सकता है वो घबराहट में घर से भागा हो और चाकू ले ले फिर वापस आ गए, हो सकता है ये सारी बातें ऐसी हो, लेकिन हो सकता है ना भी हो। अरे क्या पागल के हाल में हो सकता है, कुछ माकूल शक है, उनके वजह से ये तय कर पाना मुश्किल है कि ये लड़का कत्ल के वक्त सच में घर पे था या नहीं। ये क्या बकवास कर रहा है, ये शख्स फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा बताइए बताइए कि 12:10 पर बूढ़े ने लड़के को भागते हुए देखा था या नहीं, बताइए देखा था या नहीं। अरे उसने कहा था, उसने देखा, कहा था, कहा था, यानी कि किसी का कहना आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, जिस बात पर आप यकीन करना चाहते हैं उस पर करते हैं और जिस पर नहीं करना चाहते नहीं करते। अरे ये भी कोई तरीका भाई, लोग कोर्ट कचहरी में किस लिए आते हैं, हंसी मजाक उड़ाने के लिए, झक मारने के लिए या गवाही देने के लिए? सुनिए सुनिए, यहाँ पर हकीकत को बदलने की कोशिश की जा रही है, बिना वजह गवाहों पर शक किया जा रहा है। गवाहों से भी गलती हो सकती है। भाई साहब आप जब चाहेंगे तो गवाह गलती भी करेंगे। सल्यूट है आपको, सल्यूट कीजिए प्लीज। आप बस यही बोलिए, यही बोलिए बस। मैं कहता हूँ यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत अभी चिल्लाने की है। साला अजीब है बेतुका पड़ा, उसने देखा था, उसने नहीं देखा था, चीख सुनी थी, चीख नहीं सुनी थी। अरे भाई साहब ये सब छोटी मोटी बातें, जो बड़ी बात है अहम बातें से तो आप लोग भुला ही बैठे हैं। वोटिंग की मांग की गई है। नहीं वोटिंग करने का क्या मतलब है अभी? मुझे कुछ नहीं मालूम, इंसान ने मांग की है वोटिंग की। मैं बस इतना जानता हूँ हम लोगों को ना वक्त बर्बाद किया जाए। मेरे हिसाब से सबसे आसान ये रहेगा कि जो लोग निर्दोष के पक्ष में है पहले उनकी वोटिंग की जाए। ठीक है ऐसा ही करते हैं। तो जो लोग निर्दोष के पक्ष में है कृपया अपना हाथ उठाएं। एक, ये दो, तीन जनाबे अली, तीन, तीन। अभी भी वही स्थिति, तीन निर्दोष और 9 दोषी, और यही बने रहेगी चाहे 36 साल तक झक मारते रहे यहाँ पे। माफ कीजिएगा, मैं अपना वोट बदलना चाहता हूँ बेकसूर। क्या चार निर्दोष? नहीं एक मिनट, क्या हम सब लोग क्या पागल हो रहे हैं यहाँ पर है? नहीं भाई साहब क्या पागल हो गए क्या? सारे फैक्ट रखे आपके सामने, आप देख नहीं रहे? अरे भाई साहब इनको समझाइए, क्या मजाक हो रहा है यहाँ पर? वोटिंग का हल है 8 कसूरवार और 4 बेकसूर। हाँ सर बिल्कुल, सबका दिल ना यहाँ पर तड़प उठा है, मतलब टेरसा हुआ जा रहा है सबका दिल। भाई साहब आप मुझे ये बताइए, आपने इस लौंडे के लिए अपना वोट क्यों बर्बाद किया, मुझे बताइए इसकी वजह। मैं इसकी वजह बताने की जरूरत नहीं समझता हूँ, मेरे जहन में कुछ माकुलशक है जिनका मैं जवाब जानना चाहता हूँ बस। माकुलशक? अरे भाई साहब देखिए इसी चाकू से ना उस लड़के ने अपने बाप का सीना चक किया, सबने देखा, देखिए मिस्टर माकुलशक। वो चाकू नहीं है, भूल गए आप? बिल्कुल सही सर, आपका अलग ही दिमाग चलता है यहाँ पर। यार हद धोती है पागलपन की, आप पता नहीं मदारी की तरह कहाँ कहाँ से बात निकाल रहे, किस बात का यकीन करें हम? कल दारा सिंह और ये इन भाई साहब के बीच में मैच हुआ ना, तो ये साहब कहेंगे कि यही जीतेंगे। अरे हमें माफ करें आप। अरे वो छोड़िए, हम उस बूढ़े का क्या करें, हम उस बूढ़े का यकीन नहीं करें। हम ये मान ले कि वो बूढ़ा अपने बिस्तर से उठा ही नहीं, उठा भी तो उसने दौड़ का दरवाजा खोला ही नहीं, और खोला भी तो उसने उस लड़के को सीढ़ियों से भागते हुए देखा ही नहीं, और ये बूढ़ा जो कुछ भी बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है ताकि उसे थोड़ी सी अहमियत मिल जाए। कुछ नहीं करेंगे, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। उस बूढ़े ने कहा था कि उसने दौड़ के दरवाजा खोला है। दौड़ कर खोलाओ, चल कर खोलाओ, नाच कर खोलाओ, दरवाजा तो खोला ना। मुझे नहीं लगता कि उसने दौड़ के दरवाजा खोला होगा। सुनिए, अरे उसने कहा था वो कमरे से उठा, दरवाजा खोला और गैलरी पार करके सीढ़ियों तक पहुंचा। क्या इतना काफी नहीं है आप लोगों के लिए? बस यार। अच्छा उसका कमरा गैलरी से कितना दूर था? वाह भाई वाह, ये तो अनर्थ हो गया है, आपको मालूम नहीं है? हमें तो लगता था दुनिया की सारी बातें आपको ही मालूम है। नहीं मुझे मालूम नहीं है, प्लीज वो नक्शा दिखाइए मुझे। भाई साहब एक काम करिए, पूरा केस ही दोबारा शुरू करवाइए, अच्छा रहेगा आपके लिए। अलग तुम ही हो क्या इस कमरे में जो सब कुछ देखना चाहते हो? नहीं इस बार मैं भी देखना चाहूंगा। सुनो मैं कह रहा हूँ, बस यहाँ पे ना हमारा वक्त ना बर्बाद करो मिलके। देखिए साहब अगर आप वो सारी बातें दोबारा शुरू करना चाहते हैं कि लड़का कब सिनेमा देखने गया, लाश किस जगह पाई गई वगैरह वगैरह, मेरा ख्याल सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि एक बूढ़ा आदमी जिसके पैर में लकवे का असर हो वो किस तरह अपने बिस्तर से उठा और छड़ी के सहारे लंगड़ाते हुए गैलरी पार करके सीढ़ियों तक सिर्फ 15 सेकंड में पहुंच गया। ओ भाई साहब उसने 20 सेकंड कहा था। उसने 15 सेकंड कहा था? अरे उसने 20 सेकंड कहा था यार, तुम यहाँ पर भी आओगे? उसने 15 सेकंड ही कहा था। अरे उसे क्या मालूम 15 सेकंड कितने होते हैं? उसने 15 सेकंड ही कहा था और वो भी दावे के साथ। दावे के साथ? दावे के साथ क्या कहेगा, सड़िया हुआ बुड्ढा था, अपनी बात तो पल्ले पड़ नहीं रही थी उसके। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप साबित क्या करना चाहते हैं। बूढ़े का कहना है कि उसने उस लड़के को भागते हुए देखा था बस। बस यार उसका और एक दावा था कि उसको सीढ़े तक पहुंचने के लिए 15 सेकंड से ज्यादा वक्त नहीं लगा है। अगर कातिल ने फौरन भागना शुरू किया। एक मिनट
ना किया हो तो? बूढ़े का कहना था कातिल फौरन भाग। वाह मिस्टर वाह, बाल की खाल निकालने का कॉम्पिटिशन हो ना तो प्राइज आपको ही मिलेगा, फर्स्ट प्राइज मिस्टर। सुनिए मिस्टर बाहुबली टू, आप ये आग उगलना बंद करेंगे? जी नहीं। क्या बैठने के लिए आपको जितने पैसे मिले ना इसके लिए आपको इतना सब कुछ सुनना पड़ेगा? चुप रहिए, चुप रहिए, दे क्यों नहीं देते? जब तक नहीं मिलेगा चैन नहीं मिलने वाला। लो यार तुम्हारा नक्शा, लो हटाइए। सबको दिखाई दे रहा है? जी दिखाई दे रहा है। ये वो कमरा है जहाँ पे बूढ़ा सो रहा था। इसके ऊपर बिल्कुल ऐसा ही कमरा है जहाँ पे कत्ल की वारदात हुई है। ठीक है, ये रेलवे लाइन से बूढ़ा यहाँ पे अपने बिस्तर पे सो रहा था। चार पाई से दरवाजे तक की दूरी है 10 फीट। इसका मतलब अपना बूढ़ा यहाँ पे यहाँ से उठा, 10 फीट चला और दरवाजे में आया, दरवाजा खोला, अब गैलरी में आया। गैलरी की लंबाई है 40 फीट। इसका मतलब बूढ़े ने ये 40 फीट का रास्ता तय करने के बाद लड़के को सीढ़ियों से भागते हुए देखा और ये सारा काम हुआ सिर्फ 15 सेकंड्स में। सब 19वीं बार दोहराई जा रही है इनकी ये कहानी। आपको क्या लगता है ये मुमकिन है? यार बिल्कुल मुमकिन है। देखिए उसकी चाल बहुत धीमी थी और उसको गले में खड़े करने के लिए भी सहारा देने की जरूरत पड़ी थी। नहीं आप तो ऐसे जता रहे हैं जैसे कि ये बहुत लंबा रास्ता हो जबकि ऐसा है नहीं। बूढ़े आदमी के लिए जिसके पैर में लकवे का सर हो और जो छड़ी के सारे चलता हो उसके लिए लंबा फासला है। इनका इनका अलग ही रामबाण चलता है, ये मेन समझते पड़े। चलो देखते हैं। ओ भाई सुनो सुनो, इतनी जरूरी बात होती ना तो वकील ने उठा ली होती वापस, शायद उसके दिमाग में ना ही ये बात। अच्छा तो आपके हिसाब से वो आदमी इतना उल्लू था कि इतनी छोटी सी बात इसके दिमाग में ना आए? क्या आपके दिमाग में आई थी ये बात? अरे छोड़ो यार, मेरे दिमाग में आई है ना, उस वकील ने ये बात इसलिए नहीं उठाई क्योंकि उसे ये डर था कि कहीं उसके ये बात उठाने से केस और कमजोर ना पड़ जाए। हो सकता है इस डर से ना उठाई हो क्योंकि अदालत के अंदर भी उस कमजोर लाचार बूढ़े के साथ ये बात लड़के के खिलाफ जाएगी। ऐसी कई सारे बातें वकील लोग टाल जाते हैं। वो किस तरह का पहुंचू वकील था ये मैं भी जानना चाहता हूँ। ओ भाई साहब, आप ये भी जानेंगे? पकड़िए। जब ये तमाशा खत्म हो जाए ना भाई तो मुझे उठा देना। कोई कुर्सी दीजिए। सबको दिखाई दे रहा है? जी। देखिए ये बूढ़े की चार पाई है, मैं चार पाई से दरवाजे तक की दूरी नापूंगा 10 फीट। आप लोग एक डग 2 फीट समझेगा, ठीक है? तो मैं शुरू करता हूं। 1, 2, 3, 4। क्या नाटकबाजी कर रहे हो? ये कोई दोबारा कर दिखाने वाली बात होती है? 7, 8, 9, 10। बक्सा दीजिए। थैंक यू। ये 10 फीट है, किसी को कोई एतराज तो नहीं है? नहीं नहीं, ठीक है। अब मैं ये 40 फीट नापूंगा, गैलरी की लंबाई। मैं यहाँ से वहां तक जाऊंगा और वहां से यहाँ तक आऊंगा, ठीक है? अरे यार ये क्या पागलपन है, सबका वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो आप? आपके हिसाब से इसमें 15 सेकंड्स का टाइम लगता है, मुझे लगता है उतना टाइम तो दिया जा सकता है। बिल्कुल। मैं शुरू करता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। किसी के पास सेकंड्स की सुई है? हाँ मेरे पास है, मेरे पास है। आप जब आप शुरू करना चाहते हैं एक आवाज कर दीजिएगा, समझ लीजिएगा कि लड़के के बाप की फर्श पे गिरने की आवाज है, उसी समय आप मुझे टाइम कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक। कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा। भाई साहब जिंदगी में ऐसी ड्रामेबाजी नहीं देखी मैंने कभी। मैं तैयार हूँ। अरे यार शुरू करो। क्षमा कीजिए, मैं सुई के 12 तक पहुंचने का इंतजार कर रहा हूँ। कैसे कैसे लोगों को जूरी में ले लेते आप लोग, सेकंड गिनना नहीं आता इन्हें। वो उतना धीरे नहीं चलता था। हाँ। सर वो इससे भी धीरे चलता था। लीजिए मैं तेज चलता हूँ। हे हे, ये तमाशा बंद करो, तुम यहाँ पे मैं कह रहा हूँ तुमसे तमाशा बंद करो। ये सुनिए मिस्टर, मैंने काम कर लीजिए अपना। कर ही रहे हैं, पता नहीं क्या काम कर रहे हैं।
टाइम हुआ? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 और ये दो पूरे 42 सेकंड। 42 सेकंड? जी हाँ। 15 सेकंड। मेरे ख्याल से जो हुआ है ऐसा हुआ होगा, कुछ घंटों पहले बूढ़े ने बाप और बेटे का झगड़ा सुना, फिर उसे किसी के गिरने की धमक और सामने वाली औरत की चीख सुनाई दी, फिर उसने जैसे मैंने दिखाया उसने सीढ़ियों तक पहुंचने की कोशिश की और उसका कुछ कदमों की आवाज सुनाई दी और उसने मान लिया कि वो वही लड़का है। मुझे भी यही लगता है, मेरे हिसाब से यही हुआ होगा। मान लिया? ऐसे कैसे मान लिया? नहीं, ऐसे कैसे मान लिया? मैं कह रहा हूँ भाई साहब, भाई साहब, मैंने ना जिंदगी में हजारों करोड़ों रुपए की बेईमानी देखी होगी, लेकिन जो इस कमरे में इस छत के नीचे हो रहा है ना भाई साहब, इसकी नामो निशानी नहीं है। तुम जब से इस कमरे की तरफ आए हो ना, हम सबका जीना आराम करके रख दिया है। तुमने फालतू की बातें सुना सुनाकर गरीबों के बारे में, उनके दुख हरण, उनके सुख हरण, और तुम्हें जो थोड़ी सी कामयाबी हासिल हो रही है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनका टुच्चा सा दिल ना एकदम रो उठाए, हाय हाय करने लगाए औरतों की तरह, तो तुम इस फिराक में मत रहना कि मैं तुम्हारे झांसे में आ जाऊंगा। नहीं बिल्कुल, मैं कोई बिद्दी आदमी नहीं हूँ जो तुम्हारे झांसे में आ जाओ। नहीं बिल्कुल नहीं। और आप लोग क्या पागल हो गए हैं? ये आदमी खुद भी बड़बड़ा रहा है, आप लोग सुने जा रहे हैं? और भाई साहब आप तो मुझे समझदार दिख रहे थे, आप भी इस फालतू के आदमी की बातों में आ गए हैं, आप भी मुझे, अरे मैं कह रहा हूँ भाई साहब, आप लोगों को हो क्या गया है, पागल हो गए क्या आप लोग? भाई साहब मैं कह रहा हूँ वो लड़का जो है ना खूनी है, वो कातिल है, उसको जो है फांसी के तख्ते पर होना चाहिए, और आप सब लोग जो है उसे अपने हाथ से निकले जाने दे रहे हैं। आपने क्या कहा, हाथ से जाने दे रहे? क्या आप उसके जल्लाद है? हां हूं उसके जल्लाद में। आप चाहेंगे कि फांसी की रस्सी भी आप ही खींचे? अरे ऐसे बदतमीज लौंडे की ना फांसी की रस्सी मैं खींचूंगा। मुझे आप पे तरस आता है अभी बहुत। ए मिस्टर, मुझसे मत लगना। अरे कैसा होता है वो, ऐसा जब किसी की छटपटाती टांगे देखनी ख्वाहिश उभरती है। ए चुप हो जाओ। जब से इस कमरे में दाखिल हुए ना, मुझे किसी इंतकाम की हौस में तड़पते हुए नजर आया। मैं कह रहा हूं मुंह बंद करो तुम। अपने को फांसी के तख्ते पे देखना चाहते हैं, हिस्सा के लिए अपने खुद के लिए। ए चुप हो जाओ। आप उस लड़के के खून के पैसे हैं। ए कमीने, मैं मार डालूंगा तुझे। आप सिर्फ कह रहे हैं, आपका मतलब सचमुच मार डालने से नहीं है। जा रही है, कुछ प्रबंध करके ये लोग बात कर रहे थे। देख क्या रहे हैं आप लोग? से बात कर सकते नहीं भाई साहब, आपसे नहीं। बहुत खराब।
कोई डिसिप्लिन नाम की चीज ही नहीं। अगर कोई फैसला ना आ पाया तो शायद हम घर भी ना जा पाए। जी ये कमरे की क्या हालत करके रखे, हमें सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। हमको बुला कर लाते हैं। हां सर, आप बुला के लाइए सबको, हम ठीक करते हैं कमरे की हालत। बच्चे का तबीयत सर। चलिए सर, हम शुरू करना चाहते हैं। सर ठीक करते हैं। बॉक्स दे दीजिए सर। देखिए हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट ने हमें बहुत इज्जत के साथ बुलाया है यहाँ पे, और ऐसे आदमी के बारे में फैसला करने के लिए कहा है जिससे हमारी कोई जान पहचान ही नहीं है। देखिए हमें हमारे फैसले से कोई नफा नुकसान नहीं होने वाला है, हम सब अपनी अपनी जगह बहुत स्ट्रांग है और हमें चाहिए कि हम ऐसे ही बने रहे, लेकिन इस मामले को हम अपना ज्यादा मामला ना बनाए। देखिए बात तो सही है, बिल्कुल बहुत बारिश हो चुकी है, आपको गर्मी मिलेगी क्या? जी नहीं, मेरे ख्याल से एक बार ही वोटिंग कर लेनी चाहिए, क्या ख्याल है? बिल्कुल कर लेनी चाहिए ना, इसे मध्यवर्ती चुनाव कहते हैं, मिड टर्म वोटिंग। मतलब तो ठीक है, एक और बार वोटिंग कर लेते हैं। जो हमने पिछला वोट दिया था उसके हिसाब से थे 8 कसूरवार और 4 बेकसूर। मैं आप सभी को आपके नंबर से बुलाऊंगा, आप मुझे अपना वोट बताइएगा। हमारा वोट है कसूरवार, नंबर 2 बेकसूर, नंबर 3 कसूरवार, नंबर 4 कसूरवार, नंबर 5 बेकसूर, नंबर 6 बेकसूर, नंबर 7 कसूरवार, नंबर 8 बेकसूर, नंबर 9 बेकसूर, नंबर 10 कसूरवार, नंबर 11 जी बेकसूर, नंबर 12 हाँ गिल्टी गिल्टी। तो एक बार सभी कसूरवार पक्ष के लोग अपना अपना हाथ उठाएं। तो वोटिंग का हल है 6 कसूरवार और 6 बेकसूर, और इसी के साथ इस टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग शुरू होती है। अरे के मुकाबले अच्छे, मैं सच कह रहा हूँ एक कटल इस कमरे में भी होने जा रहा है। वो लड़का जिस तबके से आया है, जिस तबके से आता है, समय कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं, फैक्ट्स फैक्ट्स नहीं समझते हैं आप। फैक्ट्स की ऐसी की तैसी, बाहर में का फैक्ट उसे फांसी तक पहुंचा के रहूंगा। सब आपको एक घंटे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं। चीख चीख कर यहाँ पे लोगों के कान के पर्दे फाड़ रखे हैं आपने। आप निहायत ही बदतमीज किस्म के इंसान हैं, शर्म नहीं आती आपको सरा सी भी? अरे बदन साथ देता तो मैं बताता इंजन आपको, बदतमीजी लगा रखी है तब से धक्के की बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं यहाँ पे बदतमीजी लगा रखी है तब से इन्होंने यहाँ पे। शांत हो जाइए सर, पानी पीजिए आप, शांत हो जाइए। बोलते बारिश रुकेगी नहीं। अच्छा आपको कोई ऊपर से मैसेज आया है? जैसे एक बात बताइए, आपने अपना वोट क्यों बदला? मुझे महसूस हुआ कि यही महसूस हुआ कि आपकी टांगे इतनी मजबूत नहीं है कि एक फैसले पर टिकी रहे, इसलिए बदल दिया होगा। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है यार, आप भी हवा के साथ फड़फड़ा गए, रोक खा गए सारे इंटेलेक्चुअल। ऐसी बात नहीं है, इनके रहने दो रहने दो, आप भी उनमें से हो जिन्हें एक टूटो तो हजार मिलते हैं। श्रीमान आपको कोई अधिकार नहीं है ऐसे मुझसे बात करने का। कुत्ता साला, छह के मुकाबले छह, ये तो साला मजाक हो गया। भाई साहब किसी तरीके से इन लोगों को बदला नहीं जा सकता है, इन छह साहबजादों का दिमाग बदलना नामुमकिन। बदला जा सकता है कैसे? तर्क से, गालियों से, तर्क माय फुट। सही कह रहे हैं भाई साहब, खिलौते यही है यहाँ पर जो कायदे की बात कर रहे हैं। अरे यार छोड़ो कायदे की बात, मैं कहता हूँ हमें यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं बारिश ज्यादा तेज होगी तो हमें रात में ही टूटना पड़ जाएगा, हम किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचे। क्या कह रहे हैं भाई साहब, आपने अदालत में खड़े होकर हलफ उठाया, अब इस तरीके से बीच में थोड़ी ना छोड़कर जा सकते हैं। अरे ऐसे कैसे नहीं जा सकते हैं? अरे ये सरासर बेईमानी है। अरे वो लड़का जो कसूरवार है उसको फांसी के तख्ते पर होना चाहिए भाई साहब। देखिए मिस्टर ज्ञानवान की कोशिश मत कीजिए, आइए वैसे ही बहुत देर हो गई है, हम काम शुरू करते हैं। चलिए बड़े काम के आदमी है, ठीक है सर, उन्होंने समझाइए आप सर।
हमें यहाँ किसी की बदतमीजी की चीज़ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब, बहुत जलीली बोलने का मौका नहीं देता तो बोलने नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल, बड़े हैं इसलिए इज्जत का ध्यान रख रहे हैं, बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सर, बाबूजी से भी बात करना, अब कोर्ट में कंप्लेंट करिए। सुनिए सर, मैं कहता हूँ अब यहाँ रुकना बेकार है, हम किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते, अदालत से जाके कह देंगे कि हमसे कोई फैसला नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ गाड़ी अटक गई है भाई साहब, अब यहाँ आगे फैसला नहीं हो पाएगा, चलो चलते हैं सब लोग, खामा का रुक है। सुनिए मिस्टर, क्या आप भी आपके दिमाग में किसी माफू शक की गुंजाइश नहीं है क्या? जी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुझे नहीं लगता अभी अदालत ये बात मंजूर करेगी, हमने ज्यादा वक्त नहीं लिया है, 2-3 घंटे तो हुए। भाई साहब 2-3 घंटे तो हुए, इसका क्या मतलब है? यहाँ 5 लोग आपके बहकावे में आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग भी बेवकूफ है और आपकी बातों में आ जाएंगे, हमारे पास अपना दिमाग है मिस्टर। माफ कीजिएगा, हम सब किसी के बहकावे में नहीं आए हैं, हमारी अपनी अपनी राय है, हमें भी माकूल शक है, हो सकता है आपको माकूल शक का मतलब ही नहीं पता हो। व्हाट डू यू मीन, मुझे माकूल शक का मतलब नहीं पता? मतलब नहीं पता आपको? होते कौन है मुझसे इस तरह बात करने वाले? मतलब नहीं पता नहीं आपको? ये सब के सब एक ही जैसे, जुम्मा जुम्मा 8 दिन नहीं हुए इस शहर में आए हुए और हम ही को सिखा रहे हमें किस बात का मतलब आता है और किस बात का नहीं आता। यहाँ आपसे किसी ने नहीं पूछा कि आप कहाँ से आए या आपके बाप कहाँ से आए, तू मुझे और खास कि ये क्योंकि इस शहर में इनका रहना मुश्किल हो जाएगा, एक झटके में सारे बंबई शहर के बाहर वाले बंबई शहर के बाहर मैं कुछ कहना चाहूंगा, अगर इन साहब को कोई खास एतराज नहीं है तो। देखिए प्रोसिक्यूशन का एक मुद्दा यह भी था कि लड़के को फिल्म देखने के बाद फिल्म का नाम याद नहीं था या फिर उस फिल्म में कौन कौन काम कर रहे ये भी याद नहीं था, ये पॉइंट इन साहब ने बहुत बार दोहराया है। बेशक लड़के के पास अपने बचाव का सिर्फ यही एक बहाना था और वो भी निहायत ही कमजोर, जिसे वो अपने तमाम कोशिशों के बाद भी पुख्ता नहीं बना सका। माफ कीजिएगा, अगर इस लड़के के जगह पर आप होते और अपने बाप से 2 थप्पड़ खाने के बावजूद आप भी इस तरह के तनाव भरे माहौल से गुजरते तो आप भी सारी बातें याद रख सकते थे। जरूर रख सकता था, लड़के को ये याद नहीं था क्योंकि वो फिल्म देखने गया ही नहीं। पुलिस के बयान के मुताबिक उस लड़के से पूछताछ उस कमरे में की गई थी जिस वक्त उसके बाप की लाश उसी कमरे में पड़ी हुई थी, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे माहौल में आप सारी बातें याद रख सकते थे। जरूर रख सकता था, मानसिक तनाव के बावजूद। अदालत में उसे फिल्म का नाम याद आ गया था, उसने ये भी बता दिया था कि उस फिल्म में कौन कौन काम कर रहे हैं। जी हाँ, लड़के के वकील ने काफी मेहनत की थी, कत्ल की रात से लेकर अदालत में जाने तक उसके पास पूरे 3 महीने थे और इन 3 महीनों में उसने उस लड़के को सारी बातें अच्छी तरह से रटा दी थी। उस रात उस खास थिएटर में कौन सी फिल्म चल रही थी, उनमें कौन कौन काम कर रहा था, यह जानकारी हासिल करना किसी वकील के लिए मुश्किल काम नहीं है। बल्कि मैं तो उस पुलिस इंस्पेक्टर का बयान का यकीन करूंगा जिसने कत्ल के बाद उस लड़के का बयान लिया, कत्ल के फौरन बाद, मानसिक तनाव हो या ना हो। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? जरूर पूछिए। कल रात आप कहां थे? कल रात मैं घर पर ही था। परसों रात? ओफो क्या हो रहा है, इनको कुछ बोलते क्यों नहीं? परसों रात में अदालत से निकलकर अपने ऑफिस गया, 8:30 बजे तक वहीं रहा और उसके बाद घर चला गया। उससे पिछली रात यानी मंगल, ब्रिज का टूर्नामेंट था, मैं ब्रिज खेलता रहा और घर चला गया। फिर सोमवार की रात आप कहां थे? सन 42 के भारत छोड़ो आंदोलन तक पहुंच जाए ना भाई, तो मुझे कोई बता देना। सोमवार की रात मैं और मेरी बीवी हम फिल्म देखने गए थे। कौन सी फिल्म? नाम शबाना। फिर उस फिल्म में कौन कौन काम कर रहे? उस फिल्म में अक्षय कुमार और मनोज वाजपेयी। हाँ मनोज वाजपेयी। और कोई था फिल्म में? सब नए थे, उनके बारे में कुछ जाना सुना नहीं था। और तब आप किसी मानसिक तनाव से नहीं गुजर रहे थे? जी नहीं। मेरा ख्याल है कि साबित हो गया है। हाँ
बहुत बड़ा तीर मारा है। यकीनन बहुत ही बड़ा तीर मारा है। इन साहब को कुछ घटिया फिल्म स्टार्स के नाम याद नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो लड़का उस रात फिल्म देखने गया था। जी हाँ। नहीं, लेकिन कोई ये भी साबित नहीं कर सकता कि लड़का उस रात फिल्म देखने नहीं गया था। हो सकता है उसे फिल्म स्टार्स के नाम वगैरह नहीं याद हो। अगर इन साहब के लिए ये बातें भूल जाना मुमकिन है तो उस लड़के के लिए भी मुमकिन है। उस पर कत्ल का इल्जाम है, जरूरी नहीं है कि उसकी याददाश्त भी तेज हो। आप तब तक बोलते रहिए जब तक आपकी जबान जमीन पर न लटक जाए। लड़का कसूरवार है, बात खत्म। अरे किसके पास है खांसी की गोलियां? दो एक। वो सब खत्म हो गई। जनाब यार समय क्या हुआ है? 6:55। मिस्टर फिल्म तो गई आपकी। 5 मिनट में छुट्टी चाहिए। माफ कीजिएगा, क्या मैं चाकू देख सकता हूँ? जरूर। जी शुक्रिया। भाइयों भाई के वही अटके हुए हैं, 6 एक तरफ और 6 दूसरी तरफ। किसी के पास और कोई सुझाव है? एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना खाना मंगवाए और कुछ मोमबत्तियां, रात भर यही तो काटनी है ना। अब मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। ये बात बहुत देर से मेरे दिमाग में घूम रही थी और फिलहाल हम कुछ ज्यादा कर भी नहीं रहे। माफ कीजिएगा, अदालत में ये बात हो रही थी कि ये जो चाकू है वो ऊपर से मारा गया था, यानी कि ऊपर से नीचे की दिशा में। ये बात ना। अरे यार तुम वो सब वापस से ना शुरू कर देना, ठीक है? 365 बार सुन चुके हैं इन सारी कहानियों को। कमाल है, जब भी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ आप अपने टांग क्यों उड़ा देते हैं? मुझे कुछ बोलने क्यों नहीं देते आप? क्या बोलोगे तुम? नहीं क्या बोलोगे? यही बोलोगे ना, बहुत दिलचस्प धात शुद्ध हिंदी में? यही बोलूंगा क्योंकि ये मेरा अधिकार है, समझे? अरे सर आप सुन लीजिए ना। आप जो है हमसे प्रजातंत्र की बात करेंगे? माफ कीजिए आपसे तो माफ कीजिएगा। अरे आप इन लोगों से इतनी विनम्रता से क्यों बात करते हैं? बिल्कुल उसी वजह से जिस वजह से आप नहीं करते हैं। मेरी परवरिश जंगल में नहीं हुई थी, समझे? जंगली आदमी। आई एम सॉरी सर, आप कंटिन्यू करिए अपनी बात प्लीज। तो मैं ये कह रहा था कि चाकू ऊपर से मारने वाली बात मेरे गले नहीं उतरती, क्योंकि जो लड़के की ऊंचाई थी वो थी 5 फीट 3 इंच और लड़के की बाप की ऊंचाई थी 5 फीट 10 इंच। दोनों की ऊंचाई में 7 इंच का अंतर। ये बात थोड़ी अजीब सी नहीं लगती कि एक आदमी अपने से 7 इंच ऊंचे आदमी पर ऊपर से कैसे वार करेगा? ये चाकू दिखाओ मुझे, जब तक देख नहीं लोगे ना तुम्हारी आत्मा को चैन नहीं पड़ेगा। मैं दिखाता हूं, जरा कोई भाई साहब यहां मेरे सामने आए, कोई भी, तुम ही आ जाओ, समाज सुधारक कमेटी यहां। जरा गौर से देखिएगा आप लोग, वापस नहीं दिखाऊंगा मैं आप लोगों के लिए। सब मेरी आई तुमसे 6-7 दिन तो छोटी होगी नहीं? जी हाँ, थोड़ा सा फर्क है। अच्छा ये लो, मैं और छोटा हो गया। रिलैक्स, यदि को या कुछ नहीं हुआ है, आप ठीक है ना? जी हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी देख लीजिए, ये रहा आपका वार करने का तरीका, ऊपर और ये खर्च से नीचे। भाई साहब आराम से, अगर मेरे से 6-7 दिन लंबा आदमी होता तो उस पर मैं इसी तरीके से वार करता और इसी तरीके से किया गया था, बात खत्म। ये ऊपर से नीचे, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। बात थोड़ी अटपटी सी लग रही है क्योंकि एक आधार के बिल्कुल क्या कर रहा है? बिल्कुल अटपटी सी बात है, नफरत है इन चीजों से। अभी वो साथ इन्हीं चीजों में तो पला था ना, किसी झगड़े वगड़े में चाकू चलते देखा है आपने? हजारों बार, अपनी गली में मोहल्लों में, वहां ये रोजमर्रा की बात थी। कैसी अजीब बात है ना कि मैं इन सब चीजों के बारे में सोच ही नहीं रहा था, शायद सोचना ही नहीं चाहता था, क्योंकि कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे इंसान भुलाने की कोशिश करता है। बहरहाल ये चाकू इस तरह से नहीं पकड़ा जाता, इसे इस तरह से पकड़ा जाता है और इस तरह से खोला जाता है, और ऊपर से वार करने के लिए पूरी पकड़ बदलनी पड़ती है। फिर वार कैसे किया जाता है? नीचे से, इस तरीके से। आर यू श्योर? जी बिल्कुल, इसलिए तो इस तरह के चाकू बनाए जाते हैं। चाकू चलाने वाला लड़का तो बहुत माहिर है,
ये तो सब लोग जानते हैं। मेरा भी यही ख्याल है। मतलब आपका कहना है कि उसने ऊपर से नीचे वार नहीं किया है? दरअसल जिस लड़के को इतना अनुभव हो, इतनी प्रैक्टिस हो, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। हाथ पैर उस तरीके से चल जाते हैं जिस तरीके से उनको प्रैक्टिस होती है, जैसे किसी कार का ब्रेक या गियर। अगर वो लड़का वार करता तो नीचे से ही करता, ऊपर से नहीं करता। एक मिनट नहीं भाई साहब, आप मुझको एक बात बताइए, आप ये बात जो है इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? नहीं, आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है क्या ये खतर करने का? हैं? बात कर रहे हैं कभी? मामलों में जान बचती नहीं है। तभी पड़ता है जब बार नीचे से किया गया हो, ऊपर से नहीं। ठीक है तो कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है, इतनी बड़ी बात थोड़ी ना कोई है। ठीक है, हो सकता है इन भाई साहब के साथ ऐसा हुआ हो, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना कि उस लड़के के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। ए भाई साहब, मुझे एक बात बताइए, आप ये बात जो है इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? नहीं, आपके मौजूद थे क्या उस कमरे में जब ये कत्ल की वारदात हुई थी? जी नहीं, मैं भी उस कमरे में मौजूद नहीं था और आप भी उस कमरे में मौजूद नहीं थे। बेकार की बात है, मुझे विश्वास नहीं होता लड़के पर। महज इसलिए कि वो लड़का चाकू चलाने में माहिर था, इसे जख्मी करने की नीयत तो तय नहीं हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब। अब आपका क्या ख्याल है? I don't know यार, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, क्या समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, क्या समझ में नहीं आ रहा है? I don't know। अरे भाई साहब, मेरी खोपड़ी भरना रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपना वोट बदल रहा हूँ, बेकसूर। क्या सुना नहीं आपने? बेकसूर, बाहर में जाओ सब लोग। अरे तुम बाहर में जाओ, ये कोई जवाब नहीं हुआ। नहीं है तो नहीं है, आप अपना केस संभालिए। बिल्कुल ठीक है कह रहे हैं वो, कहाँ के आदमी है अब? पहले आपने सबके साथ मिलकर कसूरवार का फैसला दे दिया क्योंकि आपके जेब में सिनेमा का टिकट चौसठ कूद मचा रहे थे, और अब आप बेकसूर का फैसला दे रहे क्योंकि आप दंगा गए हैं। मिस्टर तमिलनाडु, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं है आपको। इससे ज्यादा घटिया और गिरी बात कोई नहीं हो सकती। इस तरह बात करने का अधिकार नहीं है, चुप रहो। अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। अगर आपको लगता है कि लड़का बेकसूर है और आपको यकीन है इस बात पे, तो जरूर अपना वोट दीजिए। लेकिन इसीलिए नहीं कि आप तंग आ गए हैं, बल्कि इसीलिए कि आपको यकीन है इस बात पे कि लड़का बेकसूर है, और अगर आपको लगता है कि लड़का कसूरवार है तो जरूर अपना वोट दीजिए। लेकिन आप में इतनी हिम्मत नहीं कि जो आपके मन में आए कीजिए। मैंने कह दिया ना कि लड़का बेकसूर है, इसलिए मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। सफाई देने की जरूरत है आपको? बताइए क्यों दिया आपने बेकसूर का पैसा, बताइए, बनो। मुझे नहीं लगता लड़का कसूरवार है। इनके लगने या लगने से क्या होता है? मैं एक बार फिर से वोटिंग करना चाहूंगा। यार ये ठीक है, मेरा ख्याल है हाथ उठाकर वोट करना ठीक रहेगा। हाँ। तो जो लोग बेकसूर के पक्ष में हैं, अपना अपना हाथ उठाइए। भाई साहब, पूरा हाथ ऊपर कीजिए। और कसूरवार के पक्ष में? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप लोगों को हो क्या गया है। अरे आप लोग पढ़े लिखे लोग, अकलमंद लोग, समझदार लोग, जरा सोचिए आप लोग कर क्या रहे हैं। और ये आदमी तो साला मुझे पागल नजर आता है। इसे तो आगरा के पागलखाने में होना चाहिए। अरे आप इसकी बात का यकीन कर रहे हैं? उस लड़के के बारे में मैं जो कह रहा हूँ वो पत्थर की लकीर है। अरे ये लोग झूठे हैं, कमीने हैं, पैदाइशी कमीने हैं। मैं प्रैक्टिकल आदमी, तर्क की बात करता हूँ। सब जानते हैं ये लोग हमसे अलग है, इनकी जिंदगी हमसे अलग है, इनका सोचना हमसे अलग है, इनकी हरकतें हमसे अलग है। इन लोगों को किसी का खून करने के लिए किसी भी वजह की जरूरत नहीं पड़ती। सुनिए, आप बहुत बोल रहे हैं। सब जानते हैं,
सब जानते हैं कि दुनिया भर की गंदगी, दुनिया भर की बुराइयां इनके अंदर में घुसी हुई है। अरे ये लोग शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, रंडीबाजी करते हैं, क्या नहीं करते ये लोग। ये क्या हरकत है, ये क्या हरकत है? देखा आपने इस आदमी की बदतमीजी। मैं सच कह रहा हूं, इन सालों का कोई मान धर्म नहीं है। जरा सी शराब क्या पी, किसी के पेट में चूड़ा घोपा और वो पड़ी है लाश कटर में। अब आप कहां जा रहे हैं? जाइए और अपने कान अच्छे से साफ कर लीजिएगा ताकि मेरी बात घुस सके उसके अंदर में। अब सब लोग मेरी बात सुनिए। इस कौम के दिल में किसी के लिए कोई जगह नहीं है। अरे कोई जिए या मरे इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये लोग अपने बाप की परवाह नहीं करते, अपने माँ की परवाह नहीं करते। साले जानवरों की तरफ पैदा होते हैं, सुअर के बच्चों की तरफ बढ़ते हैं और उन्हीं की तरफ मर जाते हैं। पता है आप निहायत ही गंदे गलीज और बीमार आदमी है। क्या कहा? गंदा गलीज। बैठ जाइए। जरा ढंग से बात करो ना। तेरी तो रुकिए, आप बीच में बताइए ये होता कौन है साला बीच में बोलने वाला, साला गंदा बीमार। हिम्मत तो देखिए इसकी, खड़े होते तो बनता नहीं, खाम का बीच में टांग आ रहा है। आप खामोश हो जाइए। मैं चुप नहीं होगा, मैं बोलूंगा और आप सबको सुनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे पागल हो गए, सारे के सारे, और इस हरामजादे बूढ़े को तो सुने। हम लोग कीड़े मकोड़ों की तरह ये लोग अपनी आबादी बढ़ाते चले जा रहे हैं। एक के दस, दस के दस लाख। यही कौम, यही तबका जिससे ये हरामजादा लड़का है। मैं सच कह रहा हूं, जान बूझ करके ये लोग अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं ताकि हमारी कौम को खत्म कर सके। अरे नामो निशान मिटा के रख देगा भाई साहब ये हमारी कौम का। मैं सच कह रहा हूं, ये साले हमसे नफरत करते हैं। अगर कुछ नहीं किया भाई साहब तो ये साले हम पर हुकूमत भी करेंगे। ये लड़का उन्हीं सांपों की औलाद है जो इस वक्त हमारे हाथ में है। अरे हमें किसी भी कीमत पर इसे अपने हाथ से नहीं डालने देना चाहिए। अरे कम से कम एक तो कम हो। और कानून भाई साहब कानून, ये कानून क्या है? ये तो साली मोम की नाके, जिधर घुमा लो, जब मन चाहे जिधर घुमा लो। मैं कानून की परवाह नहीं करता, क्यों करूं? वो करते हैं कानून की परवाह, साले बास्टर्ड्स। अब आप चुप होते हैं कि नहीं? तू मुझे रोकेगा साले? तुम्हारी जुबान से एक लफ्ज भी बाहर निकला तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, समझे? अरे मेरी बेटे मैडम, बहुत मुश्किल होता है ऐसे मामलों में अपनी पूर्वाग्रह और जाति जज्बात को अलग रखना, और सच जानने के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, और पता होगी भी नहीं। हम में से 9 लोग सोचते कि लड़का बेकसूर है, लेकिन ये सोचना सिर्फ संभावना पे आधारित है। हो सकता है हम लोग गलत हो सकता है हमें कसूरवार लड़के को दोबारा समाज में छोड़ने की गलती कर रहे हो। हम अभी भी पूरी तरह से निश्चित नहीं है, और हम तब तक किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते जब तक हम पूरी तरह से निश्चित हो। आप तीन लोग अपनी राय में इतने पक्के कैसे हैं मुझे समझ में नहीं आता, या फिर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है आप में से कोई हमें समझा सके। कोशिश करता हूं। आप लोगों के कुछ पॉइंट्स काफी अच्छे थे, खासतौर से वो चाकू वाला पॉइंट, जिससे आपने ये साबित कर दिया कि लाश पर जो जख्म के निशान थे वो ऊपर से नीचे की तरफ वार करने से नहीं बना है। फिर भी मुझे यकीन है कि कत्ल का मुजरिम वो लड़का ही है। इसके दो वजह है मेरे पास। पहले वो औरत जो बिल्कुल सामने वाले मकान में रहती है और जिसने सचमुच उस लड़के को कत्ल करते हुए देखा है। भाई साहब जहां तक मेरा सवाल है ना, मेरे लिए तो ये इकलौती गवाही काफी है। और दूसरी वही औरत का बयान, उसका कहना है कि उसने लड़के को हाथ उठाकर अपने बाप के सीने में चाकू मारते हुए देखा है। हाँ। भले ही गलत ढंग से देखा हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अब आइए जरा एक मिनट उस औरत के बारे में भी बात कर लेते हैं। उसका कहना है कि कत्ल वाली रात तकरीबन 11 बजे वो अपने बिस्तर पर जाके लेटी। उसका बिस्तर बिल्कुल उस खिड़की के पास लगा हुआ है जहां से वो लेटे लेटे भी लाइन के उस पार उस लड़के के कमरे में देख सकती है। उसके कहने के मुताबिक तकरीबन 1 घंटा उसे नींद नहीं आई और वो यूं ही करवटें बदलती रही।
रात को 12:10 पर एक लोकल ट्रेन वहां से गुजरती है और इसी गुजरती हुई ट्रेन की आखिरी दो डिब्बों की खिड़कियों के थ्रू उसने कत्ल की वारदात होते हुए देखी। बिल्कुल बिल्कुल। और उसका यह भी कहना है कि उसने लड़के को अच्छी तरह से पहचान लिया था अपने बाप का खून करते हुए। जहां तक मेरा ख्याल है यह गवाही एक चट्टान की तरह है और इसको हिलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल। मैं तो कहता हूं भाई साहब ये जो सारा केस है ना भाई साहब सिर्फ इकलौती इसी गवाही पर ही टिका हुआ है भाई साहब। कहिए कहीं कोई शक नजर आ रहा है आपको? वेल आप कुछ कहना चाहते हैं? वेल आई डोंट नो, दरअसल इतनी सारी दलीलें बहुत उलझा हुआ केस। हाँ हाँ कहिए आखिर हम किस बिना पर लड़के को बेकसूर कह रहे हैं बताओ। एक्चुअली इतनी सारी दलीलों को एक सही तरकीब में सजाना बहुत मुश्किल होता है। अरे भाई साहब मैं कह रहा हूँ आप इन सारी दलीलों को उठाकर जो है ना खिड़की के बाहर फेंक दीजिए। अरे भाई साहब मैं कह रहा हूँ उस औरत ने देखा है और क्या चाहिए आपको? हाँ वेल मे बी कहा तो था। हाँ तो भाई साहब एक वोट और हो जाए यहाँ पर तो चलिए एक और वोट करते हैं। किसी को कोई इतराज तो नहीं? एक मिनट मैं अपना वोट बदल रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है लड़का कसूरवार है, गिल्टी। माफ कीजिएगा आप हरियाणा से है क्या? आए आराम गए आराम जितन मर्जी चाहे बैठ लिए। हाँ तो भाई साहब बेकसूर है और कोई जी नहीं। हाँ तो यहाँ पर वोटिंग का हल है बेकसूर 8 और कसूरवार 4। आप इसे एक वोट को अपनी निजी फतह क्यों समझ रहे हैं? हाँ भाई साहब मुझे ना मजा आता है, मुझे बहुत मजा आता है ऐसे मुकाबलेबाजी करने में। यूसी ये मुकाबले करने आए हैं यहाँ पे। हाँ तो भाई साहब और कोई जी नहीं। ठीक है यहाँ पर कोई फैसला नहीं होने वाला। जाकर हम अदालत से कह देते हैं कि भाई साहब हमसे कोई फैसला नहीं हुआ। क्या लेकिन पहले आप इस राय के खिलाफ थे? जी भाई साहब बिल्कुल था पर अब नहीं हूं मैं। क्या बकवास बात कर रहे हैं? आप ही ने तो कहा था कि यह सरासर बेईमानी है। बिल्कुल भाई साहब मैंने ही कहा था, अपने इस मुंह से कहा था। लेकिन भाई साहब अब मैं इस बात पर यकीन नहीं करता हूँ क्योंकि भाई साहब इस कमरे में कुछ इतने जिद्दी और खड़ दिमाग लोग आकर अटक गए हैं ना कि भाई साहब अब हम किसी भी फैसले पर नहीं पहुंच सकते। चाहे हम हफ्ता भर यहाँ बैठे रहे ना तो हम एक इंच ना तो आगे बढ़ सकते हैं ना एक इंच पीछे आ सकते हैं। तो भाई साहब हमसे कोई फैसला नहीं होने वाला। जाकर कह देते हैं अदालत से नहीं होने वाला यहाँ पर कोई फैसला। किसी के पास कोई दलील नहीं है, कोई राय नहीं है। है किसी के पास कोई दलील कोई राय बता दो? हो तो तुम तो इस समाज सुधारक कमेटी के लीडर हो, तुम्हारे पास है कोई राय? मेरी वही राय है जो हमेशा थी, बातचीत जारी रहनी चाहिए। हो भाई साहब 10 बातचीत हो चुकी है यहाँ पर समझे, कुछ नहीं होने वाला मुझसे। कब तक हमारे बेचारे बाबूजी अपना वोट बदलते रहेंगे? कसूरवार बेकसूर, कसूरवार बेकसूर कब तक करते रहेंगे? सही बोल। तो बोलो भाई साहब चल तो चलते हैं यहाँ से, कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर, खत्म करते हैं कंटा यार सारा। एक मिनट मेरे ख्याल से हम लोगों को एक वक्त तय कर लेना चाहिए। अभी क्या बजा है? 7:05। हाँ 7:05। अभी किसी ने 7:30 या 8 की बात की थी। मेरे ख्याल से 7:30 तक का वक्त काफी मुनासिब रहेगा। ठीक है चाहे इतना वक्त बर्बाद किया थोड़ा और सही, और उसके बाद ही तय करेंगे कि हम लोगों को अदालत में जाना चाहिए या नहीं। माफ कीजिएगा जनाब अली आपकी तबीयत खराब है क्या? जी नहीं शुक्रिया। हाँ तो मैं सवाल इसलिए पूछा क्योंकि अभी आपने इस तरह से नाक चलाई। आपके इस तरह नाक चलाने से मुझे अचानक ही एक बात याद आ गई। देखिए मैं कुछ जरूरी बातें तय जनाब अली माफी चाहूंगा लेकिन इस वक्त इस समय मेरी बात सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है आप अपनी ही जरूरी। मुझे मालूम है आप इस गुस्ताखी के लिए मुझे बाद में माफ कर देंगे। आपके इस तरह नाक चलाने से मुझे अचानक ही एक बात याद आ गई और बिजली की तरह दौड़ गई दिमाग में। जनाब अली आपने अपनी नाक इस तरह से क्यों सहलाई? अरे यार आप क्या फालतू बात कर रहे हैं यार। इस वक्त इस समय मैं इन साहब से बात कर रहा हूँ, आपसे नहीं। आप बैठिए अपनी जगह पे बैठिए। अरे यार क्या पागल है। तो जनाब अली आपने अपनी नाक इस तरह से क्यों सहलाई? अगर यह जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी है तो बता देता हूँ, इसलिए कि मेरे यहाँ कुछ तकलीफ हो रही। आपकी इस तकलीफ की वजह क्या है? आपका ये चश्मा? जी हाँ मेरा चश्मा। अब इजाजत देंगे आप? जनाब अली एक मिनट और लूंगा और अपनी बात खत्म कर दूंगा। पहले ये बात मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आई लेकिन आपके इस तरह से नाक चलाने से बात मेरे दिमाग में बिजली की तरह दौड़ गई। जनाब अली ये चश्मा आपको परेशान करता है? जी हाँ बहुत परेशान करते हैं। कुछ एतराज है आपको? जनाब अली मुझे कोई एतराज नहीं, माशाल्लाह मेरी आंखें बड़ी अच्छी हैं, मैंने कभी चश्मा नहीं पहना। जनाब अली हाँ तो खातून का ये दावा है कि उसने कत्ल की वारदात अपनी आंखों से देखी है,
उस खातून के नाक के तरफ बिल्कुल ऐसे ही दो निशान है जैसे उस साहब के हैं। हाँ हाँ, और क्या होगा आप लोगों ने? हाँ, पहले बात मेरे दिमाग में नहीं आई, लेकिन उस साहब के इस तरह से सहलाने से ही बात मेरे दिमाग में बिजली की तरह दौड़ गई, और वहां बैठे बैठे उसने सहलाया भी था। आप सही कह रहे हैं। उन मोहतरमा की उम्र कितनी थी? 45 साल। लेकिन पूरी कोशिश कर रही थी कि 30 से ज्यादा ना लगे। शायद जिंदगी में पहली बार इतने लोगों के आगे नुमाइश करने का मौका मिला था। बड़ी बनठन के आई थी, बालों में खिजाब लगाया हुआ था। मैं ये सब चीजें जानता हूँ क्योंकि मैं भी पहले कभी खैर छोड़े जनाबे अली, ये सब तैयारियां थी, चश्मा नहीं लगाया हुआ था जानबूझ के। जनाबे अली, औरतों की तो फितरत ही कुछ और होती है, जरा उस औरत का चेहरा अपने दिमाग में उतारने की कोशिश कीजिए। अरे चश्मा नहीं लगाया होता का क्या मतलब होता है? है क्या चश्मा नहीं लगाया होता? नहीं, आपको कैसे मालूम कि वो चश्मा लगाती थी या नहीं? सिर्फ इसलिए कि वो जो अपनी नाक से ला रही थी, उसकी नाक पे निशान थे, मैंने देखा था। अरे इससे क्या हुआ, इसका क्या मतलब है? मुझे भी याद है, मैंने भी देखे थे। ये जनाब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं, क्या कह रहे जा रहे हैं भाई साहब? मैं कहने जा रहा हूँ उनकी नाक पे निशान थे ठीक यहाँ पर। जी हाँ बिल्कुल, मैंने भी देखे थे निशान, तो थे दो। अच्छा ठीक है ठीक है, उसके यहाँ नाक पे निशान थे। वो ये क्या कह रहे थे, बालों में हिजाब लगा के आई थी, लेकिन इसका क्या मतलब है? वो लड़का बेकसूर है। अरे चुप रहिए आप जनाब, ये निशान किसी और वजह से भी पड़ते हैं क्या? जी नहीं। जी शुक्रिया। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि एक वकील इतना बेईमान है कि एक औरत जो उसकी गवाह है, जो कि चश्मा लगाती है, उसको बिना चश्मे के अदालत में पेश करेगा? क्या आप कभी किसी औरत को जबरदस्ती चश्मा पहना सकते जो चश्मा इसलिए नहीं पहनती क्योंकि उसकी खूबसूरती पे ऐब आ जाए? बताइए। अच्छा ठीक है ठीक है, उस औरत के नाक पे निशान थे, वो औरत चश्मा लगाती थी लेकिन दूसरों के सामने बाहर नहीं लगाती थी ताकि उसकी खूबसूरती में जो है ना कोई ऐब ना आ जाए। लेकिन भाई साहब, जिस वक्त उसने ये कत्ल की वारदात होते हुए देखी, उस वक्त तो वो अपने कमरे में थी, अपने कमरे में बिल्कुल अकेली। बात खत्म। एक्सक्यूज मी, आप सोते वक्त भी चश्मा लगाते? नहीं, सोते वक्त कोई चश्मा नहीं पहनता। ये बात मुझे ढंग की लगती है। जिस वक्त वो औरत अपने बिस्तर पर लेटे हुई करवटे बदल रही थी, उस वक्त उसने चश्मा नहीं पहना होगा। नहीं, आपको कैसे मालूम? ये मेरा अंदाजा है, मेरा और एक अंदाजा है। जिस वक्त उसने यूं ही खिड़की के बाहर नजर डाली, उस वक्त वो चाहकर भी चश्मा नहीं पहन सकती थी, उसके पास वक्त ही नहीं था। उसका खुद ऐसा कहना था, जैसे ही उसने खिड़की के बाहर नजर डाली, उसी पल उसे कत्ल की वारदात होते हुए दिखाई दी। मुझे नहीं लगता कि 2 सेकंड्स के अंदर कोई चश्मा उठाकर पहन सकता है, यह मुमकिन नहीं है। नहीं, मैं बताता हूं। मेरा और एक अंदाजा है मिस्टर, उसको लगा उसने लड़के को बाप का कत्ल करते हुए देखा, लेकिन मुझे लगता है उसे लड़का नहीं, एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी होगी। नहीं, आपको कैसे मालूम उसे क्या दिखाई दिया होगा, क्या नहीं दिखाई दिया होगा? नहीं भाई साहब, पता नहीं इनको सारी बातें कहां से मालूम चल जाती हैं। अच्छा भाई साहब, आप मुझे एक बात बताइए, आपको कैसे मालूम वो चश्मा पहनती थी या नहीं पहनती थी? हो सकता है कि वो क्या कहते हैं, वो धूप का चश्मा लगाती हो, या फिर ये पढ़ाई लिखाई का चश्मा लगाती हो, ऐसा भी तो हो सकता है। वो कुछ भी लगाती हो, लेकिन हमें अब उस औरत की नजर पे शक है, उसकी आंखें खराब है। माफ कीजिएगा, 60 फीट की दूरी से बिना चश्मे के उसने एक आदमी को कैसे पहचाना? मैं बताता हूँ कैसे पहचाना। ऐसे गवाही के आधार पर हम किसी को फांसी के तख्ते पर तो नहीं पहुंचे। गलती हुई है, क्या मुमकिन नहीं है? अरे बिल्कुल मुमकिन नहीं है। आपको क्या लगता है, ये मुमकिन है? यस यस मुमकिन है, मैं अपना वोट बदल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है लड़का बेकसूर है, नॉट गिल्टी। वेरी गुड गुड। आपको क्या लगता है, लड़का कसूरवार है या बेकसूर? अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब जितने भी बैठे ना यहाँ पर, सारे के सारे हरामी, जो मर्जी में आए कीजिए। लेकिन आपकी राय क्या है? बेकसूर, बाहर में जाओ सब। तुम साले एक नंबर के कमीने हो, मैं कह रहा हूँ लड़का कसूरवार है। आपको क्या लगता है, लड़का कसूरवार है या बेकसूर? नहीं, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि लड़का बेकसूर है। अभी क्या बोल रहे हैं भाई साहब? नहीं आपको मालूम है अभी आपने क्या बोला है? भाई साहब क्या बात कर रहे हैं, अब आपको मालूम है? भाई साहब नहीं नहीं, अब भाई साहब आप ही तो देख लो थे जो मेरे साथ शुरू से टिके हुए थे। नहीं आप नहीं पलट सकते, नहीं आप मेरे साथ रहिए। ये फैसला कर लिया है, अमूमन मैं गलती नहीं करता, लेकिन आज ना जाने कैसे, खैर अब मुझे एक माकूल शक नजर आ रहा है, लड़का बेकसूर। तो जनाब अली, वोटिंग का हल कुछ इस प्रकार है,
कि 11 तो हैं बेकसूर और कसूरवार सिर्फ एक, यानी आप। सिर्फ आप? अरे और भी तो कितने सबूत हैं, वो बूढ़ा है, वो चाकू है। अरे आप ही ने तो कहा था कि बाकी सारे सबूत को खिड़की के बाहर उठा के फेंक दो। आपसे कहा था, आप अकेले हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे, ये मेरा हक है। बेशक ये आपका हक है। अरे क्या जानते हैं आप लोग, मैं कह रहा हूँ लड़का कसूरवार है। तो आप उसकी वजह बताइए। मैं बता चुका हूँ उसकी वजह, समझे। हमें ना आपकी वजह पे शक है, आप उसकी वजह बताइए कि लड़का कसूरवार क्यों है। अरे अरे अदालत में उठाया गया हर मुद्दा, हर बात, हर चीज इस लड़के को कसूरवार ठहराती है। नहीं, आप लोग क्या समझते हैं, क्या समझते हैं आप लोग, मैं कोई बेवकूफ हूं या कुछ भी ऐसे ही हूं? मैं कह रहा हूं आप लोगों ने ना बिल्कुल एकदम ना निहायत ही तुच्छे जैसा, लीचर जैसा, बच्चे जैसा दिल पाया आप लोगों ने। मैं कह रहा हूं वो लड़का कसूरवार है। अरे क्या जानते हैं आप लोग, मैं कह रहा हूं लड़का कसूरवार है। मुझे डराने की कोशिश मत कीजिएगा, समझे, मुझे डराने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला हूं, मैं किसी के झांसे में नहीं आऊंगा। मैं कह रहा हूं मैं ना पूरी जिंदगी इस कमरे में, इस सड़ी हुई कुर्सी पर, इस छत के नीचे बैठा रहूंगा। मैं देखता हूं कोई मेरा क्या बिगाड़ लेता है, मैं देखता हूं। अरे उस बूढ़े की बात करिए जिसने सबको सुना, या फिर वो चाकू, ये सिर्फ इसलिए कि भाई साहब को वैसे सराहता था, चाकू मिल गया सिर्फ इसलिए। अरे मैं कह रहा हूँ भाई साहब, यहाँ पर ना हर बात का मतलब घुमा दिया गया है, हर चीज का मतलब घुमा दिया है इस आदमी ने। भाई साहब मैं कह रहा हूँ उस बूढ़े ने इस लड़के को भागते हुए देखा, अब इसमें कितने सेकंड लगते हैं, कितने सेकंड नहीं लगते, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? भाई साहब यहाँ पे हर बात का मतलब घुमा दिया है। जैसे कि वो चाकू जेब से गिर गया, इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका? बूढ़े ने लड़के को भागते हुए नहीं देखा, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूँ भाई साहब इस आदमी ने सब कुछ घुमा दिया है, सब घुमा दिया है। आप मुझे वो बताइए वो चश्मे की बात कहां से बीच में आ गई, कहां से बीच में आ गई? सिर्फ इसलिए कि उस औरत ने जो है अदालत में खड़े होकर आरोप उठाया। अरे इतने सबूत गिना दिए तुम्हें, इतनी बातें गिना दी, सब गिना दिया तुम्हें। लड़के ने क्या कहा था, मैं मार डालूंगा तुझे। और किससे कही थी उसने, किससे कही थी? अपने बाप से। जिसने उसे पैदा किया, उसे पाला, उसे पोसा, उसे बड़ा किया, और बदले में क्या मिला उसे, बदले में क्या मिला भाई साहब उसे? ये चाकू 4 इंच गहरा, 3 में उतार दिया उसके, खत्म कर दिया उसे हमेशा के लिए। बाकी जो है ना, बाकी जो है ना डांट ना खानी पड़े। कोई बताने वाला ना हो उसको, देखो बेटा ये सही है, इसे करते हैं, ये भी गलत है, इसे नहीं करते। नहीं बेटा, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, कोई ना पता है उसको बेटा, कोई ना पता है उसको। मेरा बेटा, मुझे थप्पड़ मार जोर से, या 2 बार, और भाग गया,
मुझे अकेला छोड़कर भाग गया। माँ मर गई उसके गम में, एक बार भी नहीं आया, एक बार भी नहीं आया थे। मैं सारा दिन अकेला बैठा रहता हूं, दीवारों को घूरता रहता हूं, वीरान कमरों में, यहां वहां, इस याद में मेरा बेटा किसी दिन वापस आ जाएगा। आज तक नहीं आया, 2 साल हो गए। ये सीना है ना, किसी चाकू से कम नहीं है ये सीना, किसी चाकू से कम नहीं है ये सीना, चाकू से कम नहीं है ये सीना। मैंने कितनी बार मरना पड़ेगा मुझे, कितनी बार मरूंगा मैं अपने बेटे के लिए। मेरा बेटा, वो आपका बेटा नहीं है, किसी और का बेटा है। उसे भी जीने का मौका दीजिए। ठीक है, बेकसूर तो हम सब तैयार हैं, चलो चलते हैं। Thank you.